शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? द लाइटिंग चालू है। ठीक है ठीक है। मोहित, व्हाट्स अप? आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? नो मैन शूटिंग यही जीएच मिल में, रॉयल मैंशंस। इट्स अ फीचर। व्हाट? टुनाइट। और नरेशन, नरेशन ओनली ना? ठीक है, पहुंच जाओ। मैम, शॉट इज रेडी। सीन 10x1, टेक 1। एंड एक्शन। जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ हम भूतों की दुखी दास्तां। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए के नाम पे ये क्या हो रहा। हाय प्रोग्रेस के नाम पे ये क्या हो रहा। बुलडोजर घर सब तोड़ रहा। शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स जमघट दम को तोड़ रहा। जी सुनिए दिल की जुबान। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। कोई नहीं गए हैं सब बेचारे। वोट का हक ना पास हमारे। नेता भी हमको दुत्कारे। गवर्नमेंट जी सुनिए दिल की जुबान।
जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ। What a scary structure, na? So old and dilapidated. हाँ यार, ज्यादातर मुंबई में disputed properties की यही हालत है। Aditya, you remember that Ragini incident? Ah, that ghost affair. Yeah. Just imagine, Ragini must be going through some serious PR crisis. Twice a cheap publicity. भाई आज का marketing mantra तो यही है कि any publicity is good publicity. If you want to promote your film, and her act worked, her story was all over news, TV, internet, everywhere. Ghost stories वैसे भी सबको intrigue करती हैं। हाँ तभी तो ऐसी फिल्में धड़ाधड़ बनती है और चलती भी है। क्या हो गया? यार मेरी समझ में नहीं आता। राजस्त्री में ईशा गुप्ता जिस घर में रह रही है, उसे पता है कि उस घर में भूत है। तो फिर वो घर छोड़के चली क्यों नहीं जाती? तानिया, भूतों की स्टोरी में लॉजिक ढूंढोगी, तो बॉक्स ऑफिस विंडो में भी भूत ही दिखाई देंगे। हाँ। और भूतनाथ में अमिताभ बच्चन एक घोस्ट है जो एक बच्चे को दिखाई देता है पर जूही चावला को नहीं, और क्लाइमैक्स में वो जूही चावला को भी दिखाई देता है। अरे यार फिर से लॉजिक। इट इज अप टू द भूत टू डिसाइड कि वो किसको दिखाई देंगे और किसको नहीं। ज्यादातर भूत उनको दिखाई देते हैं जो किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं, या फिर उन लोगों को जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। समझी? गुड मॉर्निंग सर। तुम से राजू सर, राजू राइटर। हाँ अच्छा अच्छा। यहाँ कैसे आ गए? सर मैं वो यहाँ किसी के साथ वो लोकेशन सर आपको दिखा तो सोचा मिल लेता हूँ। एक स्ट्रगलिंग राइटर का यही तो काम होता है। बोल भाई क्या चाहिए? सर एक चांस चाहिए सर। सर आई हैव अ सुपर हिट आइडिया सर। सर जस्ट गिव मी वन ईयरिंग सर। सर फिल्म फेयर स्क्रीन जी आईफा टाइफा यहाँ तक कि लायंस क्लब का अवार्ड भी पक्का है सर। सर बस एक बार सुन लीजिए। अबे तू यहाँ भी आ गया, चल निकल यहाँ से चल। अरे गुप्ता जी याद है लास्ट मंथ आपके ऑफिस आया था? आप भी बुलाया और आपकी लास्ट मंथ की 3 डेज सक्सेस पार्टी में मैं आपसे गले मिला था। याद है सर? याद है। पार्टी में गेट क्रैश किया था, पूरी बॉटल पी गया था। अब चल निकल यहाँ से वरना बहुत बुरा हाल करूंगा। अरे गुप्ता जी और क्या बुरा हाल करेंगे मेरा? 5 साल हो गए स्ट्रगल करते करते लेकिन एक ब्रेक नहीं मिला। रहने का प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एक दिन मेरा भी आएगा जब कोई किस्मत वाला डायरेक्टर मेरी कहानी एक्सेप्ट करेगा और उसे सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाएगा। एंड देन इट विल बी योर लॉस सर, नॉट माइन। क्योंकि बेशक मैं वक्त कमा रहा हूँ लेकिन भूख है मेरे अंदर, कॉन्फिडेंस है सर। अरे भूखा है तो वड़ा पाव खाना, चल निकल यहाँ से। खा लूंगा सर, वो भी खा लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग बुरे टाइम में वड़ा पाव खाते वो अच्छे टाइम में बड़ा पाव खाते। टाटा बाय बाय सर। पता नहीं कहां से घुस आया। फिल्मी स्ट्रगलर उस मैसेज की तरह है जिसे साला जितना भी डिलीट करो उतना और ज्यादा आते हैं। इट इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आदित्य ये हेमंत भाई है, ही विल टेक अस अराउंड। हाय हेमंत भाई, आई एम आदित्य एंड दिस इज तानिया माय एडी। अभी आपने नई फिल्म कौन सी बनाई है? फीचर फिल्म तो अभी बनानी है। फीचर फिल्म तो अभी बनानी है, अच्छा टाइटल है। अरे नहीं नहीं हेमंत भाई, सर कमर्शियल बनाते हैं। कमर्शियल तो बनानी ही चाहिए वरना पब्लिक को पसंद कहाँ आती है? सलमान को ले रहे हैं आप? हेमंत भाई ये कहना चाह रहे हैं कि आई मेक एड फिल्म, मतलब एडवर्टाइजमेंट फिल्म। अच्छा अच्छा, वो जो टीवी सीरियल और न्यूज के बीच में आकर बोर करती है। 1932 में इस मिल को मजदूरों ने स्ट्राइक में जलाकर राख कर दिया। फ्रस्ट्रेटिंग। और 1985 से लेकर अब तक यहाँ पर 50-60 फिल्में शूट हो चुकी हैं। 100 साल पहले गेंदामल जी ने अपने मिल के बगल वाले प्लॉट पर ही मेंशन बनवाया था अपने अंग्रेज मेहमानों के मनोरंजन के लिए। सिंगरन डॉट के बाद फिर से शूटिंग पर देना शुरू किया ना। आप पहले डायरेक्टर हैं जो इस किस्से के बाद आए हैं, वरना पिछले 1 साल से ये बंद था, आमदनी भी बंद थी। इट वॉज फ्रस्ट्रेटिंग। वरांडा, साथ में टेरेस हो तो बहुत अच्छा है। डायरेक्टर साहब ये रहा आपका बरंडा और ये रहा सामने टेरेस, ऐसे ही चाहिए था ना आपको? वाओ,
beautiful. Now this is nice, huh? सुन, अपना एक्टर यहाँ पे एक कुर्सी पे स्विंग करेगा, हाँ? Right here. Okay. And then we'll get the entire city in the background. और तब जाके ये सीन जमेगा. Nice. स्क्रिप्ट और स्टोरी बोर्ड लैपटॉप में है. स्विच ऑन करो. अरे यार, स्क्रिप्ट डायरेक्टर की यहाँ होती है, हाँ? कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है. अब अगर सुमित दादा आ जाएंगे तो विल फाइनलाइज आवर शॉट डिविजंस आल्सो. कूल. सुन, उससे पहले ना पूरा घर एक बार देख लेते हैं, चल. यू गो अहेड, आई विल बी राइट देयर. एवन भाई. हाँ. ये एक्टर लोग ना पब्लिसिटी के लिए साला कुछ भी कर सकते. ओ गुप्ता, हेलो, स्टॉप गॉसिपिंग. अरे नहीं सर, मैं तो वो रागिनी के केस के बारे में डिस्कस कर रहा था. उसने शूटिंग पे भूत देखा था ना. मुझे तो लगता है ये रूमर सच है. इतना पुराना मैंशन है, थोड़ी बहुत भूत तो होने ही चाहिए. होने चाहिए है? अच्छा सुन, सबके साथ रह के स्मोक किया कर. अकेली पिएगी ना तो भूत तेरी सिगरेट छीन लेगा. What rubbish? पूछ लेना इनसे. ये है मेंशन का सबसे खूबसूरत कमरा. वाह हेमंत भाई, कमाल है ये तो. बार भी है, स्टेज भी है. हाँ, ब्यूटीफुल. So many musical instruments. Exactly. Is this a hall or a music room? यहाँ हर शाम महफिलें सजती थी, रक्कासाएं नृत्य करती थी, नामचीन गायक जैसे उस्ताद अलाउद्दीन खां, बैजू बाबरा साहब राग रागनी छेड़ती थी. हेमंत भाई, वैसे क्या सच में इस घर में भूत है? हाँ है. तब तो यहाँ कोई स्कैरी स्टोरीज भी होंगी. अरे इस घर का एक विचित्र इतिहास है. कहते हैं ये घर शापित है. मिल मजदूरों के हाथों कैनामल जी के मारे जाने के बाद कैनामल की अतृप्त आत्मा इस घर में भटक रही है. बोलो. हाँ बोलो बोलो, सुनाई दे रहा है मुझे. क्या आप भटके हुए हो? अच्छा, रेल ब्लॉकेज अगेंस्ट लैंड एक्विजिशन. शिट, तो क्या करें आप? नहीं, परसों तो शूट है ना. नहीं, कल तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल. हाँ अच्छा ठीक है, एक मिनट मुझे जरा हेमंत भाई से बात करने दो, मैं परमिशन लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना? नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा. अरे आज हाई कोर्ट में रॉयल मेंशन की हेयरिंग है, सेठ साहब के ग्रेट ग्रैंड सन्स अरे कोर्ट में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, उनके साथ मुझे भी जाना है. इट्स फ्रस्ट्रेटिंग. अरे हेमंत भाई, वॉचमैन के पास चाबी छोड़ दो ना. जिस घर में भूत रखवाली करते हो वहाँ कौन आएगा? अरे एक रखा था लेकिन भूतों ने उसको भगा दिया. क्या बात कर रहे हो हेमंत भाई, पूरा घर तो एंटिक से भरा है और काफी कीमती होगा ना सारी चीजें. हाँ, कहते हैं इस घर के नीचे भी बहुत सारा खजाना दबा हुआ है. You mean hidden treasures? अरे ब्रिटिश जमाने के सिक्के देखे गए इस घर में सोने के, इसीलिए मैं चाबी किसी को नहीं दे सकता. अरे अरे हेमंत भाई, हेमंत भाई, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. अरे भाई क्या करूं ना यार, मैं पहुंचा दूंगा. अरे कैसे करूं, अरे सुन, प्लीज 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 छोड़ दीजिए प्लीज. ये प्लीज ही तो मार देता है. ठीक है प्लीज, ये लीजिए चाबी. थैंक यू सो मच हेमंत भाई, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच हेमंत भाई. थैंक यू. क्या बात है तानिया, तेरी जादू की जप्पी ने तो पूरा एकदम जादू कर दिया यार हेमंत भाई ने. कमान यार, आउट ऑफ अफेक्शन हक किया था मैंने. ठीक है भाई. सर अब दो घंटे क्या करेंगे? मुझे तो सुमित दा का इंतजार करना ही पड़ेगा. शॉर्ट डिविजन डिस्कस करना है उनके साथ. तुम दोनों ऐसा करो, पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाओ, वहाँ जाके वो नेक्स्ट वीक की शूटिंग का जो काम है ना वो निपटा लो. दैट्स अ गुड आइडिया सर. हाँ, मुझे भी कॉस्ट्यूमदार से मिलना है. सो ग्रेट, सो यू गाइस गेट गोइंग देन. चाबियाँ मेरे पास छोड़ जाओ. अच्छा, अकेले मैनेज कर लोगे ना? कैमरा, लैपटॉप. थैंक यू, टेक केयर. यप, आई विल. बाय सर. बाय गुप्ता. Oh.
राजू राइटर सर, तू फिर से आ गया। अब क्या चाहिए तुझे? ना पैसे ना क्रेडिट, बस एक ब्रेक चाहिए सर। अरे यार ब्रेक तुझे मुझसे नहीं, मुझे तुझसे चाहिए मेरे बाप। सर वही तो मैं देना चाहता हूँ सर, अपनी स्टोरी पे फिल्म बनाने का आपको ब्रेक। सर जस्ट जोकिंग सर। सर एक बार मेरी स्टोरी सुन लीजिए ना सर। सर मैंने इसी जगह पर रिसर्च करके यहाँ के बारे में स्टोरी लिखी है सर। मेरे दोस्त मैंने कितनी बार तुझसे कहा है मुझे तेरी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर पर मुझे तो सुनाने में इंटरेस्ट है ना सर। सर फिल्म फेयर स्क्रीन जी आईफा टॉयफा यहाँ तक की Lions Club Award भी पक्का है सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द अवार्ड्स। लेकिन डूड मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी, क्योंकि मेरे पहली पिक्चर के लिए मेरे पास अपनी खुद की कहानी है। एक मिनट सर, आपने मेरे बगैर ही कहानी लिखी? मेरे बगैर? सॉरी सर, जस्ट जोकिंग सर। सर वैसे जॉनर क्या आपकी फिल्म का, मतलब किस तरह की फिल्म है सर? एक्शन, सोशल, थ्रिलर, हॉरर, या वन ऑफ दोस इंटेलेक्चुअल आर्ट फिल्म्स विद अ स्ट्रांग मैसेज? इस तरह का तो नहीं है, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल आर्ट हाउस मूवीज के बारे में तुझे क्या पता? सर कपड़ों से ट्रैम्प लगता हूँ, लेकिन ट्रैम्प को ही ट्रैम्प मिलती है। सर वैसे आई एम एम ए इन लिटरेचर फ्रॉम अलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर, एंड मेंबर ऑफ द सिने क्लब इन अलाहाबाद सर। सर फेलिनी, ट्रूफार्ट, बर्गमैन एंड अ वेरी ओन सत्यजीत रे, गुरुदत्त, शांताराम, क्या फिल्में बनाते थे सर। लगता है तो कीड़ा है फिल्मों का। बहुत बड़ा सर, बिग वन। अच्छा हाउ अबाउट द कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकर्स, डैनी बॉयल, एंग ली, क्रिस्टोफर नोलन, इन सब का काम देखा है तूने? पिक्चर का नाम बोलिए सर, एकदम फुल स्क्रीन प्ले सुना सकता हूँ विद डायलॉग्स। नहीं यार मैंने नहीं। सर एक बात कहूँ सर, सर आप ये एड फिल्म बनाना बंद कर दीजिए। वो क्यों? सर आप जैसा यंग टैलेंट कंज्यूमरिज्म की गुलामी करें, टूथपेस्ट साबुन बेचे अच्छा नहीं लगता सर। सर फीचर फिल्म बनाइए सर, फीचर फिल्म, और उसमें जो कहना है कहिए सर। सर बहुत मजा है फीचर फिल्म बनाने में सर। पर अभी तूने सत्यजीत रे का नाम लिया। हाँ हाँ, तो वो भी तो पहले एड फिल्म बनाते थे। और भैया हम साबुन और टूथपेस्ट नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या? और वैसे भी कौन फाइनेंस करने वाला है मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म? कॉर्पोरेट्स तो आजकल सिर्फ नंबर गेम्स और स्टार्स में इंटरेस्टेड है। ये बात तो सही कही आपने सर। लेकिन सर आप फीचर फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड है ना? अरे डेफिनेटली, इनफैक्ट एक स्टोरी भी है मेरे दिमाग में, हॉट हरियाणवी। और इसके लिए कल मैं एक प्रोड्यूसर को मिल भी रहा हूँ। चलिए सर, आपने मेरी कहानी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी कहानी जरूर सुनूंगी सर। डोंट वरी, लीक नहीं करूंगा सर। सर कहो तो एनडीए साइन कर दूं, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट। तो बेसिक कहानी एक लड़के की है, वो प्लेज इन अ बैंड। हाँ, शादी का बैंड? अरे नहीं, म्यूजिक बैंड, म्यूजिकल ग्रुप। ओ अच्छा, लाइक बीटल्स एक्सेट्रा। हाँ कुछ वैसे ही, बट दे ओनली प्ले हरियाणवी म्यूजिक। ओ हरियाणवी म्यूजिक, हजम नहीं हो रहा है बट है इंटरेस्टिंग सर। आगे सर, आगे आगे। इस लड़के के पेरेंट्स उसके जरिए अपने अधूरे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा एक म्यूजिशियन बने, लेकिन बेटा जानता है कि वो अपने पेरेंट्स के सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएगा, बिकॉज इज अ बैड म्यूजिशियन। सॉन्ग्स कंपोज करने का टैलेंट है ही नहीं उसमें, बेसुरा है वो। एक पॉइंट पे अजीब से नॉन क्रिएटिव लिम्बो में है। उसे गर्लफ्रेंड भी है जो उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन लड़के को प्यार मोहब्बत इश्क से नफरत है। वही ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल। हाँ कुछ कहा तूने? नहीं सर कुछ नहीं। सर एंड में क्या होता है सर? अरे यार यही तो प्रॉब्लम है साला, समझ में नहीं आ रहा है एंड क्या होना चाहिए। मेरे पास कैरेक्टर्स है, प्लॉट पॉइंट्स है, क्राइसिस है, सिनेमैटिक मोमेंट्स है, लेकिन रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए दिमाग में नहीं आ रहा यार। अभी टेंशन की बात तो यह है कि कल तक मुझे किसी भी हालत में वर्कआउट करना है कि ये एंड क्या होगा। सर एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं बोलना। सर आपकी ये जो कहानी है ना, इसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। व्हाट सर? आपकी कहानी में कोई दम नहीं है सर।
अरे अभी सिर्फ सिनॉप्सिस सुनाई है, डिटेल में शॉट बाय शॉट बताऊंगा ना तो पता चलेगा स्क्रीन पैक क्या है। सर राजू राइटर नाम है मेरा, लिखना काम है मेरा सर। दो मिनट की स्टोरी सुनते दो घंटे का स्क्रीन पे पता लगा लेता हूँ मैं कि आगे क्या होने वाला है। सर रियली सर आप बुरा मानिए नहीं चलो सर, तभी तो लटका के जा रहे हो सर। बुरा नहीं माना यार मैंने। सर तो मैंने आपकी खराब कहानी सुनी तो अब मेरी अच्छी कहानी सुनना तो बनता है सर। सर मतलब है तेरी कहानी मेरी कहानी से बेहतर है। सर पत्थर के सामने हीरे को मत तोलो सर। अच्छा हाँ सर अगर आप मेरी स्टोरी पे फिल्म बनाएंगे ना तो पता है फिल्म फेयर स्क्रीन जी आईफा टोईफा इवन लायंस क्लब का अवार्ड भी पक्का है ना। यस सर। यार तू चीज क्या है, बड़ी मस्त हूँ सर। चल भाई तू जीता मैं आ रहा। सर आई लव यू। क्या कर रहा है? आई लव यू सर। चल सुना तेरी कहानी। ठीक है सर तो हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं धुएं से। धुएं से? हाँ सर। सर साइन इन कर लिया। अच्छा अभी पैसे भी चाहिए तुझे? सर सिगरेट। हाँ हाँ ले भाई। यस सर। तो इसको जलाएंगे, सुट्टा मारेंगे, धुआं निकलेगा और धुआं निकलते ही कहानी स्टार्ट। सर मुंबई के पुराने मिल्स और ओल्ड बिल्डिंग्स शहर से धीरे धीरे गायब हो गए। लोअर बरेल से महालक्ष्मी के मिलों से लेकर बांद्रा से कोलाबा तक के पुराने घरों को तरक्की की आंधी ने खत्म कर दिया। सर ब्रिटिश राज से भारतीय राज और अब लगता है कि हम प्रमोटर्स राज में जी रहे हैं। पुराने स्ट्रक्चर्स को तोड़कर सात सितारा होटल बनाए जा रहे हैं, रोज नए कॉन्डोमिनियम बन रहे हैं, कई मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, शॉपिंग मॉल बन रहे हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड सम न्यू म्युनिसिपल रूल्स हेरिटेज और डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज बची हुई पर उनकी गिनती बहुत कम है। अब सवाल यह है कि शहर के इस प्रोग्रेस से तकलीफ किसको है? मुंबई कर को। मतलब इन सब के वजह से एक आम मुंबईकर को शहर छोड़कर शहर के बाहर जाना पड़ रहा है। नहीं सर वो प्रॉब्लम तो हमेशा से थी सर और रहेगी, लेकिन इन मिलों के और घरों के टूटने से मुंबई की स्पिरिट खतरे में पड़ गई है। स्पिरिट? अच्छा यू मीन द मुंबई स्पिरिट? नहीं सर वो स्पिरिट नहीं, स्पिरिट का मेरा मतलब है घोस्ट, भूत, डेड पीपल। सब बहुत बुरा हाल है इनका, बर्बाद हो रहे बेचारे। ये पुराने घर और मिले इन भूतों का अड्डा हुआ करती, एक तरह से समझो तो इनका रैन बसेरा। और आज वही सीधे साधे भोले भाले गुड नेचर्ड भूत एक भयानक क्राइसिस का शिकार हो गए। तो एक जगह से दूसरी जगह बेघर हुए, पागलों की तरह भटक गए। और जो थोड़े बहुत घर बचे हुए वो उनके रहने के लिए काफी नहीं है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और घर कम है। और सर सबसे बुरी बात यह है कि भूत कम्युनिटी के इस बुरे समय में कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। उनको रीसेटल करने के लिए सरकार कोई पुनर्निवास की स्कीम नहीं दे रही है, कोई लाल झंडा लेकर या टोपी पहनकर सत्याग्रह नहीं कर रहा है। रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सिविल सोसाइटी और यहाँ तक कि मीडिया भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है क्योंकि उनकी व्यवस्था भूतों पर डिपेंड नहीं करती। एग्जैक्टली सर, यू ऑन द मार्क, क्योंकि ना तो वो कंज्यूमर्स है और ना ही वो वोटर्स। वेरी गुड। तेरी कहानी से मुझे एक पॉलिटिकल सटायर की खुशबू आ रही है, लेकिन एक सोशल मैसेज देने के लिए कोई भाषणबाजी या लेक्चरबाजी नहीं होनी चाहिए। आई लाइक फिल्म्स व्हिच आर लेयर्ड, जिसमें उतार चढ़ाव हो। सर राजू राइटर की लिखी हुई कहानी में आपको लेयर्स में लेयर्स ही मिलेंगे विद ऑल कमर्शियल मसालास, क्राइम, पैशन, थ्रिल, म्यूजिक, रोमांस, डांस, आखिर इन सबसे ही तो बनता है एक ग्रेट इंडियन एंटरटेनिंग पॉट बॉयलर। ठीक है भाई सुनते हैं फिर। हम अपनी कहानी राय बहादुर सेठ गेंदामल हेमराज के कैरेक्टर से शुरू करते हैं। अच्छा ये वही है ना जिसके बारे में वो हेमंत भाई बात कर रहे थे? जी सर। सर अपनी मिल्स ब्रिटिशर्स को बेचने के बदले में अंग्रेजों से उनको राय बहादुर का खिताब मिला और उसी खुशी में मैंशन में जश्न मनाया जा रहा था। एक तरफ खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ मिल के मजदूरों की आंखों में नफरत की आग चल रही थी। मिल के टेक ओवर करते ही ब्रिटिशर्स ने उनकी सैलरी और वेजेस में कटौती की और इसी जुल्म के खिलाफ मिल मजदूर यूनियन स्ट्राइक पर थी। गेंदामल अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे और मजदूरों की मांगों के सामने झुकने को तैयार नहीं। मजदूरों के घरों में बीमारी और भूखमरी से उनके सीने में आग चल रही थी और वही आग मिल तक पहुंच गई और उसको जलाकर राख कर डाली। मरने के बाद राय बहादुर सेठ गेंदामल की आत्मा ने मिल में इधर उधर भटकने के बजाय इसी रॉयल मैंशन में रहने का फैसला कर लिया। सर रॉयल मैंशन के अलावा एक और मैंशन था शहर में, इंपीरियल पैलेस। हिंदुस्तान को आजादी मिलने से पहले
गवर्नर जनरल रामसे साहब रहते थे उसमें। भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों के खून के वैसे ही प्यासे थे और एक दिन रामसे साहब को अकेला देखकर उन्होंने उन पर हमला कर दिया। वंदे मातरम। और भारत को आजादी मिलने से पहले रामसे साहब की आत्मा को उनके शरीर से आजादी मिल गई। रामसे साहब का भूत बड़े ऐशो आराम से इंपीरियल पैलेस में रहने लगा। पर ये नवाबी ठाट कुछ ही दिन के थे, क्योंकि आजादी मिलते ही इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पे लाइब्रेरी बनाने का ऑर्डर पास कर दिया। अब रामसे साहब को तो किताबें पढ़ने का शौक था, पर उनके भूत को किताबें, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन से सख्त नफरत थी। इसलिए रामसे साहब बेचारे उलझन में पड़ गए। मिस्टर बूथ। और उन्होंने अपने वंस अपॉन अ टाइम बॉस मिस्टर बूथ साहब से मुलाकात की और उनसे गेंदामल को फोन करवा के रॉयल मैंशन में जगह दिलवाने की सिफारिश करवाई। आई हैव अ फ्रेंड रामसे, ही जस्ट पास्ड अवे, आई नीड अ प्लेस फॉर हिम। एक्सक्यूज मी, आर यू राय बहादुर? डिपेंड्स हु इज आस्किंग। आई एम गवर्नर जनरल रामसे। ओह, इफ यू आर गवर्नर जनरल रामसे, देन आई एम राय बहादुर गेंदामल हिमराज। मिस्टर बूथ ने मुझे तुम्हारा नाम की सिफारिश की है। नहीं, मिस्टर बूथ ने तुम्हारे नाम की सिफारिश मेरे पास की है। He was a nice man, प्यार से मुझे गेंदा बुलाते थे। Oh, Ganda, as in hippopotamus? No, hippopotamus. That is Ganda, da. This is Ganda, da. Oh, Ganda, meaning dirty. No, Ganda means flower, marigold. Marigold, a lovely name. Shall we go inside? No, we will not go inside. Who is the boss? I am the boss. Who is the boss? You're the boss. Yes, so you will not go inside. I will ask you to come inside. Please come inside. May I, sir? Yes. और अब आते 50s. गेंदामल का छोटा भाई गुलाबचंद हेमराज हेमराज फैमिली का सबसे नालायक मेंबर था। शराब, औरत, रेस, जुआ, समझ लो कि दुनिया के किसी भी ऐप से दूर नहीं था। कंप्लीट अय्याश। उसने उन दिनों की मशहूर सिंगर एक्ट्रेस मनोरंजना कुमारी की मोहब्बत में उसकी अभिनीत फिल्मों में पैसा भी खूब लगा। मनोरंजना कुमारी? हाँ, वो हमेशा कहा करती थी मनोरंजन मनोरंजन और मनोरंजन ही एक फिल्म को कामयाब करता है। पर्दे के पीछे प्रोड्यूसर का मनोरंजन, डायरेक्टर का मनोरंजन, हीरो का मनोरंजन और जिस पे दिल आया उसका मनोरंजन करने में पलक नहीं झपकाती थी मनोरंजना कुमारी। फोकट में थोड़ी मांग रहा हूँ मनोरंजना, ये कंगन, ये हार, ये बालियां, क्या ये सब मैंने तुम्हें फोकट में दिया है क्या? क्या इनका कोई रेट नहीं? क्या इनकी कोई प्राइस नहीं? और फिर प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिए हैं। हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए गुलाब, हमें तो चाहिए चुटकी भर सिंदूर जो हमारी मांग सजा दे। पगली,
तुम्हारी एक मांग पे हम दौलत लुटाने के लिए तैयार हैं, और तुम्हारी मांग है कि हम तुम्हारे मांग में चुटकी भर सिंदूर भर दें। हाँ गुलाम, हमें अपनी बीवी बना लो और अपने पैरों के पास थोड़ी जगह दे दो। मनोरंजना मनोरंजन करते करते थक चुकी है गुलाम। टेक इट इजी मेरी कोयल, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और कसम खाता हूँ कि आई विल टेक सात फेरास विद यू एंड मैरी यू एएसएपी मेरी जान। थैंक यू गुलाम। मेंशन नॉट मेरी जान। हमें भूल मत जाना गुलाम। आई बेग ऑफ यू। दूंगा, बेग भी दूंगा। गुलाम ने अपनी कसम नहीं निभाई और मनोरंजना की बढ़ती उम्र ने उसके फिल्मी करियर पे दी एंड सा लगा दिया था। और फिर एक दिन उसे पता चला कि गुलाब की शादी किसी मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी से हो रही है। टूटे दिल और अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त ना कर सके और फेमस फिल्मी बॉटल सैड 69 का सहारा लिया और 69 बॉटल खत्म करने के बाद एक दिन शराब के नशे में उसने अपने आप को पंखे से लटका दिया। ओह शिट। मनोरंजना की भटकती आत्मा ने भूत बनकर उसी मैंशन में पना लेने का फैसला लिया जिसमें वो बहू बनकर जाने वाली थी। गाने तो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब सुपर है। थैंक यू सर। लेकिन बॉस, इसकी प्रोडक्शन डिजाइनिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। अलग अलग पीरियड्स, उस समय की प्रॉपर्टीज, कॉस्ट्यूम्स, फर्नीचर्स, डिटेल्स में रिसर्च करनी पड़ेगी। हाँ नहीं नहीं सर, वो भूतों की कहानी में इतनी रिसर्च नहीं करनी पड़ती सर। मैं ना क्या करूँगा, ये रैमसे के जो सीन्स है ना, इसको सीपिया टोन में शूट करूंगा और ये मनोरंजना कुमारी की सीन्स ब्लैक एंड व्हाइट में। बैक प्रोजेक्शन, direct lighting, every character will have a dual shadow cast on a hand-drawn background of the sky. We can play around with the sky, we can play around with grayscale. Ah. Thank you. आपने एक स्ट्रगल की कहानी को ऐसे दिल खोल के रिएक्शन लिया, कौन करता सर ऐसे? I'm touched sir, I'm honored. Thank you sir. तेरे control कर यार. Thank you.
Now we cut to the 70s. Bombay. Time of the underworld. गेंदावल के मरने के बाद जब गुलाबचंद ने जीएच मिल्स को टेक ओवर करने की कोशिश की तो गुलाबचंद के चाचा हीराचंद ने फेमस गैंगस्टर सलीम फटेला को गुलाबचंद को खत्म करने की सुपारी दी। कोइंसिडेंटली सलीम फटेला मनोरंजना कुमारी का फैन भी था। गुलाबचंद का भूत भी रॉयल मैंशन में रहना चाहता था और मनोरंजना कुमारी से माफी मांगना चाहता था। I'm sorry, मनोरंजना, मुझसे गौर अपराध हो गया, मुझे मुआफ कर दो और जीते जी दो देती थी वो मरने के बाद भी दे दो। क्या? अपना प्यार मनोरंजना, don't have dirty picture in your mind, please. नालायक उल्लू के पट्टे, तू खोटे सिक्के की तरह फिर वापस चलाया, चल भाग यहाँ से, मनोरंजना अंदर जाओ। I'm sorry, bro. Get out, come on, out. I'm sorry. Out. I'm sorry. Funny, yeah, very funny, too funny. And very exciting too, huh? है ना सर? जसन ये जो किलिंग का जो पोर्शन है ना इसको मैं हैंडल कैमरा से शूट करूंगा। ओह लाइक आरजीबी सर। आरजीबी? अरे यार रामगोपाल वर्मा। ओह या ऑफ कोर्स सर। मैं तो कहता हूँ ये किलिंग के सीन्स है ना आप उनसे ही शूट करवा लीजिए। व्हाई नॉट, एक्चुअली ही इज माय गुरु यू नो। अच्छा? या आई असिस्टेड हिम, आई हैव रिटन डायलॉग्स फॉर हिम। ओह और एक फिल्म में तो कैमरा भी ऑपरेट किया मैंने। क्या बात कर रहे हो सर? 5D, कभी टेबल के नीचे से, कभी एक्टर्स के मुंह के नीचे से, और कभी तो फैन के ब्लेड के ऊपर से, और ना जाने कहां कहां से ऑपरेट करवाते थे आरजीबी सर। सुपर्ब सर, सुपर्ब। तो भैया ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। थैंक यू सर। ऑल द कैरेक्टर्स सिर्फ डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से नहीं बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड से भी है। थैंक यू सर। और इस पिक्चर में तो कमाल की एंसेंबल कास्ट होगी। थैंक यू सर। और आजकल तो इसके लिए अवार्ड भी होता है। बिल्कुल सर। ब्रो कंटिन्यू सर। विकास के नाम पे मुंबई में बहुत से पुराने भूतिया घर टूट रहे थे और उनमें रहने वाले भूतों ने भी गेंदामल के मैंशन को अपना परमानेंट एड्रेस बनाने की सोचकर वहां पहुंचे। लेकिन गेंदामल के लिए सबको एडजस्ट करना, सबको अकोमोडेट करना, सबको रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो फिर भूतों की मैंशन में रहने की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई? सर एक इंटरव्यू बोर्ड बिठाया गया। This is very loud. Get it repaired. और इंटरव्यू के लिए ना सिर्फ मुंबई से बल्कि देश के अलग अलग स्टेट से भूत आए और कुछ तो विदेश से भी आए। hey, इतना झुको नहीं, झुकेगा तुम्हारा माथा जमीन पे लग के फट जाएगा। तुम्हारा माथा में गैस चढ़ गया है। तुम एक काम करो, ये गैस जो लो एंड गो। जनाब मुंह में रखी गिलोरी को पान कहते हैं और इस नाचीज को अकबर ख्वाजा खान बल्द, नटवर ख्वाजा खान बल्द, कतवरार ख्वाजा खान कहते हैं। वो तो ठीक है लेकिन इन तीनों में से तुम्हारा नाम कौन सा है? जनाब खाकसार को अकबर ख्वाजा खान कहते हैं। और तुम्हें क्या कहते हैं? हमें ही अकबर ख्वाजा खान कहते हैं। अरे तो भाई खाकसार को क्या कहते हैं? जनाब ये उर्दू का खेल है, इसमें हम ही हम हैं और हम ही खाकसार हैं। हाँ मतलब तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इट्स एन ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, बट नथिंग टू वरी। कंटिन्यू में हम पिंडारीज हैं हुजूर, मुस्लिम मराठा भाई भाई, हमने माहिदपुर की लड़ाई लड़ी। योद्धा अकबर हुजूर। योद्धा अकबर? वाहिदा तुझा फिल्मी कीड़े, योद्धा अकबर नहीं योद्धा अकबर। तभी से बात करूं। कंटिन्यू में हम इंदौर के महाराज मल्हार होलकर साहब के खास खानसाने थे। भूत कैसे बन गए? जनाब माहिदपुर की लड़ाई में मैंने होलकर साहब के लिए अपनी रसोई की दीवार में होल करके दुश्मन पे आंख रखनी चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि दुश्मन भी पीछे की दीवार में होल करके होलकर साहब के वफादार खानसामे पे बंदूक का होल रखे हुए। On the whole, what happened? On the whole, दुश्मन की गोलियों ने मेरे बदन में इतने होल कर दिए कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं सांस कहां से लूं। और हुजूर इसीलिए मुझे अंग्रेजों से सख्त नफरत है। Is he talking about me? Yes, he says he likes you. Namaste. जनाब मेरी रसोई जहां मैं रहता भी था वहां एक नया टी स्टॉल खुल गया और मैं बेरसोई हो गया। इसे अच्छा नॉन वेजिटेरियन खाने बनाने के लिए रख लेते हैं। सेलेक्टेड। मेरा नाम पीके है जी, मैं मुंबई का एक फिल्म प्रोड्यूसर था। आपको पता नहीं होगा फिल्म प्रोड्यूसर की लाइफ बेंचो बहुत खराब होती है। डायरेक्टर के पीछे स्क्रिप्ट के लिए भागो, हीरो के पीछे डेट्स के लिए भागो, हीरोइन के पीछे पूरे कपड़े पहनाने के लिए भागो। भागने का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है बेंचो। एक प्रोड्यूसर को ओलंपिक्स में भेज दो तो गोल्ड मेडल पक्का। सर व्हाई डस ही स्पीक ऑफ बेंचेस इन एवरी सिंगल सेंटेंस? बिकॉज़ दिस बेंचो डज नॉट डिजर्व टू बी हियर। आउट, रिजेक्ट हिम। क्यों सर? रिजेक्ट हिम। जो ये क्या किया? सॉरी सर। प्रणाम सर, हमें भूतनाथ भादुड़ी। हाँ हम पार्टीशन से पहले सर ईस्ट बंगाल में रहता था। उधर हम डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर था, दवा देता था लोगों को।
और फिर पार्टीशन के बाद हम बॉम्बे आ गया। मुंबई मुंबई आपने तो एक के बारे बोका दादा, तब तो मुंबई था ही नहीं, तब तो बॉम्बे ही था ना खाली। तो हम बॉम्बे आ गया और बॉम्बे आके हम रेलवे ट्रैक के पास रहने लगा। अच्छा था, अच्छा था, लेकिन हमारा लाइफ जो था वो हवा हवाई हो गया था। हमको सोने को नहीं होता था दादा, रोज हमारा कान के पास से ट्रेन खटार पटार खटार पटार खटार पटार पास होता रहता था। एक दिन एक ट्रेन जो था वो हमारे कान के पास से थोड़ा ज्यादा पास हो गया, तो हमको नहीं पता लगा। लेकिन फिर अचानक एक आदमी बोला, उई बंगाली बाबू पास हो गया। हमको तब पता लगा, हम तो मर गया। तो हम उसके बाद एक पेड़ पे रहने लगा। फिर वो शाला लोग आया एक दिन, बोला हम इधर हाईवे बनाएगा, फोर लेन हाईवे। वो पेड़ को काट दिया, हमारा घर चला गया। उसके बाद ये बंगाली बाबू इतना घर ढूंढा, इतना घर ढूंढा, लेकिन एक घर नहीं मिला हमको पूरा मुंबई में। ये तो सांघातिक बोका। आजकल मुंबई है दादा, बॉम्बे तो है ही नहीं। देखिए, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश हो गया, बॉम्बे मुंबई हो गया, इंसान हैवान हो गया। लेकिन हम शाला तो मरने से पहले भी रिफ्यूजी था, मरने के बाद भी रिफ्यूजी है, हमारा कुछ नहीं हुआ। बहुत टचिंग स्टोरी है तुम्हारा। A compounder, that's a bit like a doctor, isn't it? I know better. ख्वाजा खान के खाने के बाद हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, okay? Accept him. Accepted. Thank you, धन्यवाद दादा। ये आप हमारा एक दवा जो है वो ट्राई करो। खाओ खाओ खाओ, दवा खाओ। Always works, दादा। So fast? हाँ सर। अगला इंटरव्यू हम आउटडोर में करें, okay? Oh God. It is still not working, but this is working. No, I'm sorry. Brigadier Hoshyar Singh from Hoshyarpur, Dharamvir Chakra Maranopran, sir. Sir, shall we walk and talk and pass some gas? No! I mean, pass some time, sir. Yeah, sure. Sir. Mm-hmm. In the year of 1999, Dushman Sarhad Par se humare upar gole barsa raha tha, sir. हम लोग द्रास और बटालिक सेक्टर के कई हिस्सों पर अपने झंडे गाड़ चुके थे सर। जीत की खुशी में हमारा कन्वॉय हिंदुस्तान हमारा गाते हुए अपने अगले मुकाम की तरफ बढ़ रहा था। अचानक वी वर शाइट, हम पर गोले बरसने लगे सर। सर, लगता है दुश्मन भूत बनकर यहाँ भी गोले बरसा रहे सर। वी शुड बी केयरफुल, वी आर शेड। रिलैक्स, देयर इज नोबडी हियर, इट्स जस्ट अ पासिंग फेज, इट्स पासिंग, इट्स पास्ट। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन सर, बट एक आर्मी मैन को हमेशा होशियार रहना चाहिए सर। क्यों? हम शहीद हो गए और शहीद होने के बाद गवर्नमेंट हमारे कॉफिन पर स्कैम करती रही। क्यों? क्योंकि हम होशियार नहीं थे। I think he's the perfect man to maintain security for our mansion. Okay. होशियार सिंह सर, हालात और हवा दोनों ही बुरे हैं। I know sir. लेकिन तुमने होशियारी से काम लिया है, इसलिए हम तुम्हें सेलेक्ट करते हैं। हम आत्माराम पासवान हैं। है नहीं, थे। राम और पासवान निकाल दो, अब तुम सिर्फ आत्मा हो। जिला दरभंगा था। था नहीं, है। तुम मरे हो, दरभंगा जिंदा है। करते क्या थे? साहब, मुंबई में दिन में हम टैक्सी चलाते थे और रात को फुटपाथ पे सोते थे। एक रात ये नए साल के ठीक पहले हम कंबल ओढ़ के सो रहे थे, अचानक एक तो रईस आदमी बहुत शराब पी होता उस दिन, अपनी गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा दिया ठीक वहीं पे जहां हम सोए थे। और उसी वक्त आत्माराम की आत्मा आत्माराम के शरीर से आजाद हो गई, है ना? अभी हम कहां जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। ये बार हमारी पुरानी मॉडल की गाड़ी है, उसमें बिठा कर तुम हमें चौपाटी पे ले जा सकते हो। इधर बोलने के लिए जाएंगे साहब। ठीक है, यस, बड़ी से। This driver does have some drive. Oh yeah, अच्छा, कुछ बोला गोरा। Selected. Myself, Robin Hood. Robin Hood? उड़ना जी, उड़ा। फ्रॉम रोहतक हरियाणा। पापा इंजीनियर थे तो चाहते थे कि इंजीनियर बन जाऊं, और माँ डॉक्टर थी तो चाहती थी कि ऑपरेशन थिएटर में देखूं। पर मुझे तो जी बचपन से ना म्यूजिक का शौक, रॉक म्यूजिक, डोर्स, मेटालिका। खैर, बैंड बनाया मैंने अपना, एल्बम निकाली, 13 सीडी बिकी मार्केट में। बड़ी बर्बादी कीजिए, पैसे की बड़ी फजीती हुई मेरी, डिप्रेशन अलग हो गया, गाने लिखे नहीं जाते, राइटर मेरा ब्लॉक हो गया था, तो फ्रस्ट्रेशन में मैंने ड्रग लेनी शुरू कर दी। ड्रग मतलब एस्ट्रो, एनासिन और क्रोसिन? ना जी, चरस, गांजा, अफीम। पहले तो थोड़ी घनी लेता, फिर बाद में डोज बढ़ा दी। एक दिन क्या किया, हीरोइन ज्यादा सुलग ली, होश आया तो देखा भाई ये तो अपना रॉबिन हुड पड़ा है बर्फ की शिल्ली पे, है नाक में रुई नहरी की जड़ रखी मेरे। It would be nice to have a musician amongst us. Yes, I believe. हमारे यहाँ रॉयल मेंशन में भी अलग अलग तरह के म्यूजिशियंस आते थे। क्या? यहाँ आते गाते थे, परफॉर्म करते थे, फिर वो खाना खाते थे, फिर खाना खाने के बाद मैं उन परफॉर्म करता था, मगर जब मैं परफॉर्म करता था वो चले जाते थे, पता नहीं क्यों। सेलेक्ट।
You're the boss. Hi, I'm Tina. Listen now. Daughter of famous industrialist Pran Chopra. Power plants, chemical industries, real estate. My dad is into every kind of business. You know what? I was a really pampered kid. And upar se, mujhe party karne ka bahut hi shauk tha. Henneken, that was my favorite beer. Ek din mujhe realize hua ki party kar karke aur beer pee pee ke, I had gained so much of weight. Usi time, gym join kar liya. Aur wahan pe meri mulaqat hui Sam se. Sam? Sam Gonzalez, my gym instructor. I was so totally in love with him. Ek din, mere mom dad ko sab pata chal gaya. उन्होंने मुझे इतना लालच दिया कि मैं सैम को छोड़ दूं, पर जब मैं नहीं मानी, उन्होंने सैम को बॉम्बे से गायब करा दिया। I could never forget Sam. I was in love, and I was completely heartbroken. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन मैं 10th फ्लोर पे गई और वहां से जाके छलांग लगा दी। I killed myself. And when I died, I saw my parents crying. I felt really, really sad. इंटरव्यू का एपिसोड खत्म होने के बाद रॉयल मैंशन में हाउसफुल का बोर्ड लग गया और उसी शाम गेंदामल ने सिलेक्टेड भूतों को वेलकम ड्रिंक के लिए हॉल में बुलाया। माय डियर लेट लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉयल मैंशन में आप सबका भूत भूत स्वागत है। आज का दिन हम सबके लिए अद्भुत है, अभूतपूर्व है, क्योंकि आज के बाद हम सब भूत एक ही छत के नीचे रहने वाले हैं, जो शायद इंसान होते तो कभी मुमकिन नहीं होता। हाँ, बात तो सही बोली। फ्रेंड्स, जब हम जिंदा थे तो मौत का डर हमको चैन से जीने नहीं देता था, लेकिन अब लोग हम मर चुके हैं, अब हमें मौत का कोई डर ही नहीं है। तो आइए आज से अपनी लाइफ अपनी आफ्टर लाइफ को एंजॉय करें और कसम खाएं कि बेशक हम एक अच्छे इंसान बनकर नहीं रह सके, लेकिन अच्छा भूत बनकर जरूर दिखाएंगे और रॉयल मेंशन के भूतों का नाम दुनिया के भूतों में नंबर वन पोजीशन पर जरूर लेके जाएंगे। अच्छा एक बात बता, ये सब के सब भूत अभी क्या ये रॉयल मेंशन में सेटल हो गए? हाँ सर, सारे ये सारे भूत अपनी जिंदगी को आराम से बिताने लगे। हे आत्माराम, हे अपदार्थ मानुष, अरे किधर को मर रहा है तुम? अरे जल्दी करो, जल्दी करो, कार स्टार्ट करो, हमको दादा टीटी जाना है और दामोदर की दुकान से चमचम, रसगुल्ला और खीर कदम खरीदना है। आत्माराम, तुम भूतों की सोसाइटी पे धब्बा है, दिन निकल आया है, तुम इधर लेटा लेटा सो रहा है। सो नहीं रहे बाबू, थोड़ा कमर सीधी कर रहा हूँ। ए शाला, तुम आदमी टेढ़ा है इसलिए तुम्हारा कमर भी टेढ़ा है। हम क्या जाने बाबू, हम तो बहुत गरीब आदमी है। ए गरीब आदमी शाला, गरीब आदमी तो आगे ड्राइवर की सीट पे बैठ, पीछे बैठ के क्या कर रहा है? जी जी, जल्दी करो, ताला थाली करो, हमको जल्दी जल्दी बाजार जाना है। इतना जल्दी बाजार काहे को? अरे बोका, जल्दी नोय रे, वो देख आसमान में देखो। हाँ। इधर नहीं है आसमान, इधर है। इधर भी है। अरे तू गरीब आदमी है ना, तू इधर देख। अच्छा? देख आसमान में मेघे ढका तारा डूब गया है और प्रचंड सूरज फूट गया है। हाँ। अब चल गाड़ी चला, स्टार्ट कर। साला द ग्रेट इंडियन पुअर मैन। लेकिन इसको खरीदने की जरूरत क्या है, वो तो बैठे बैठे सिर्फ हाथ बढ़ा के चुरा सकता है। अरे सर, आखिर बंगाली भूत है, जब तक मिठाई वाले से झगड़ा नहीं करेगा, भाव तोल नहीं करेगा, चिल्लम चिल्ली नहीं करेगा, तब तक उसे कौन कहेगा? बंगालियों की कैरेक्टर ट्रेस की काफी अच्छी स्टडी की तूने यार। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर दिस आल्सो सर। सो स्टोरी पसंद आ रही है ना? अरे यार, तभी तो साइनिंग के बाद पहला इंस्टॉलमेंट भी दे रहा हूँ। राइट सर। सर तो सारी शॉपिंग हो चुकी थी, चौम-चौम, रसगुल्ला, गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर राजेश खन्ना स्टाइल में भूतनाथ मनोरंजना को अमर प्रेम का इजहार करने आ गया। ए रुक रे, रुक रुक रुक। अरे रुक तो रहा हूँ साहब, रुक तो रहा हूँ। अरे कहाँ गेट के बाहर लेके जा रहा है? चलो अब एक काम करो, ताला ताली जो नीचे है उसे निकालो। है? अरे ताला ताली जो नीचे में है उसको निकालो ना। इस नहीं, जो है उसको निकालो। कैसे? अरे अपना नीचे नहीं, वो हमारा जो नीचे में है उसको निकालो। क्या? अरे दी बैग, दी शॉपिंग बैग निकालो ना, दो टांग के बीच में रखा है बाबा। अरे निकालो। जी सर, जी सर। आदमी छोटा है तो क्या हुआ, कदम तो बड़ा 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 ना, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। ये खाकी वर्दी पहनकर तुम्हारी फर्स्ट फ्लोर पर आने की हिम्मत कैसे हुई? हम का जाने साहब,
हम तो गरीब आदमी हैं। पता नहीं ये चीज हमें कैसे आ जाती है हिम्मत। तो सामान रसोई में रखो और नीचे जाओ। अच्छा जाओ 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 रखे आओ रखे आओ। अब भाई भूतनाथ तुम इतनी उच्च कोटि के क्यों इस तरह के लोगों को मुंह लगाते हो? नहीं नहीं हम किसको मुंह लगाएगा किसको नहीं लगाएगा ये आप हमको नहीं बताएगा क्योंकि आप तो डबल स्टैंडर्ड आदमी है। आप अपना बिरयानी कबाब के चक्कर में वो को लेके आए कि नहीं आया हम कुछ बोला क्या? Don't say that. हम बोल देता है हम पीछे के लोग बावली पूछो 21वीं शताब्दी के भूत होकर भी ऊंच नीच की बातें करते हो। एक गाना सुने इसी पर। नहीं नहीं बांस की तरह गाना बंद कर बंद कर। एक बार मर चुका हूँ अब तेरा गाना सुनकर दोबारा नहीं मरना चाहता। लगता है इनके मरने के साथ साथ इनकी म्यूजिकल सेंस भी चली गई। नहीं मेरी म्यूजिकल सेंस बरकरार है लेकिन तू जैसे गा रहा ना इसको गाना नहीं बोलते। हमने इसको इस मेंशन में इसलिए सेलेक्ट किया था कि इस मेंशन में दोबारा हमको इस तरह की शास्त्रीय संगीत की धुनें सुनने को मिलेंगी लेकिन इसने सब कुछ आकर अशास्त्रीय कर दिया है। भूतनाथ भाई जब मैं जिंदा था ना तब मेरे पड़ोस में ऐसा ही एक खपती खड़ूस तावरा करता वो भी मेरे म्यूजिक के बारे में अनाप शनाप बका करता था। एक बार तो बुड्ढे ने मेरा जैम सेशन रोकने के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी। साला मरने के बाद भी सेम टू सेम सिचुएशन है। ये बच्चा कष्ट पाओ ना अरे दुख करो ना। तुम एक काम करो तुम फोक सॉन्ग गाना शुरू करो। फोक नहीं आता तो पेट्रियोटिक सॉन्ग गाओ जैसे कि वंदे भूतनाथ भाई। वैसे तो इसका भी रिमिक्स वर्जन तैयार कर रखा है मैंने पर मैं नहीं चाहता कि मेरे गाने जो है राष्ट्रीय सीमाओं में बंद के रह जाए। क्या बात है क्या बात है रॉबिन पुत्र क्या बात है। ओए क्या सेंटेंस बोल दिया तूने संगीत के बारे में। आए हाय 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 हाय। पर मेरे हिसाब से ना टूटे हुए दिल का कोई ऐसा गाना सुना कि बस पैकशेक लगाने का मन कर जाए यार। टूटे दिल का गाना तो पैकशेक लगाने के बाद ही निकलता सरदार जी। ओ तेरा मत पहले पहले पैग लगाए फिर गाना गाए। कंटिन्यू। ओ तो चल फिर आज मैं तेरे को भूत बार लेके चलता हूँ। भूत बार? आज तो फ्राइडे नाइट है आज तो बड़े सोने सोने यंग भूत पूतनियां आई होंगी वहां। भूत बार। उरी बाबा कितना फैंटास्टिक जगह है। तू कब मरी? कल मरी। शुगर है भूतों के एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह तो मरी ना। चकते फटे। चीयर्स। शराब चीज ही ऐसी है न छोड़ी जाए ये मेरे यार के जैसी है न छोड़ी जाए। दसनी शराब दी बोतले कमीनी दसनी शराब दी बोतले कमीनी मैं तेनु पीना वाके तू मैनु पीनी दसनी शराब दी बोतले पहला गम दूजा पल्ले पालिया
शराब दिए गमाने मेरे दिल नू जाड़िया कुछ ते गमाने मेरे दिल नू जाड़िया कुछ तेरे नशे मेरी जिंदगी नू साड़िया कुछ भी ना रे पले वड़ी ये शौकीनी दस नहीं शरा विजन के हिसाब से एकदम मैचिंग मैचिंग बिगेस्ट कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री सर सुपर इसके ओनर का पता लगा गुलियानी सर हाँ गुलियानी ओनर का पता लगा लेकिन सर वहां तो एक झमेला भी है अरे जिधर झमेला होता है वहीं हम बिल्डर लोग मेला लगाते हैं नहीं तो गू ये रॉयल मेंशन मेरे को चाहिए किसी भी कीमत पर जाए तो जाए कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ साइलेंस स्टार्ट सॉन्ग रोलिंग कैमरा रोलिंग स्नैप टेक सेवन एक्शन कट 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 मनोरंजना जी और ये कट कट करके किसको काट रहे हैं आप जी सपना देख रही थी सपना मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही है हो जी आप अपनी लाइफ की एलओसी क्रॉस कर चुके हैं इसीलिए आई सजेस्ट कि अब शूटिंग शॉटिंग के सपने भी देखना बंद कर दो फिल्म एक्ट्रेस काम करना छोड़ दे या दुनिया उसके सामने से शूटिंग की वो चमकती दमकती आर्क लाइट्स कभी नहीं जाती वाह वो कैमरा वो नागरा वो ग्रीन रूम आइस बॉक्स स्पॉट बॉय हीरो के घर का खाना मुझे आज भी नहीं भूलता मरने के बाद भी अपने प्रोफेशन के साथ आपका जज्बा देखकर मैं तो जी वो डेडली वाला फैन हो गया हूँ आपका ऑटोग्राफ प्लीज जी मैं करेंसी नोट्स पर ऑटोग्राफ नहीं देती क्यों जिस नोट पर पहले से ही रिजर्व बैंक के चेयरमैन की ऑटोग्राफ है उस पर मैं अपने ऑटोग्राफ कैसे दे सकती हूँ ओह हाथ पर दीजिए ना पेन प्लीज Name, please. Hoshiar Singh. Love to Hoshiar Singh, Manoranjana Kumari. अब तो ये हाथ कट भी जाए तो भी तोऊंगा नहीं You know, in 1965, जब मैं खारदुंगला बॉर्डर पे था तो वहाँ बमबारी आप जरूर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही होंगी नहीं जी मैं तो आपकी फिल्म देख रहा था प्यार तो कभी भी हो सकता है कितना अच्छा टाइटल है ना प्यार तो कभी भी हो सकता है अभी भी हो सकता है मैं जट यमला पगला दीवाना मैं जट यमला पगला दीवाना इतनी सी बात न जाना किधर होशियार सिंह तुम इधर बैठ के होशियारी दिखा रहा है उधर गेंडा सर तुमको बुला रहा है अरे चलो ओके ओके थैंक यू फॉर योर इंटरप्शन हो गया चलो मैनू प्यार कर दी है साडे उत्ते ओ मर दी है आपने मुझे याद किया सर Who is the boss? I'm the boss. Who is the boss? You are the boss. Boss ने याद नहीं किया. घुमा
मनोरंजना हम तुम्हारा शौक खेला देखा है। केला? केला नहीं, खेला माने सिनेमा। ओहो, हम तुम्हारा पहला खेला देखा और हमको तुमसे पहला पहला प्यार हो गया। वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट नाइट। लव एट फर्स्ट साइट ना, हमको मालूम है लव एट फर्स्ट साइट ही होता है, लेकिन हम तो नाइट शो देखा था इसलिए हम बोला लव एट फर्स्ट नाइट। हे भगवान, लगता है बुढ़ा सटिया गया। हम तो कुछ सुना ही नहीं है। हम तो बचपन से ही तुम्हारा बहुत बड़ा फैन था मनोरंजना। तुमको मालूम है हम तुम्हारा फैन क्लब बनाया था और उस फैन क्लब में हम सब लोग तुमको माँ बोलता था। माँ माने माँ माने देवी। ये फिल्मी दुनिया बहुत ही थर्ड क्लास जगह है। मेरे गुरुजी कहा करते थे कि इस जगमगाती दुनिया में सिर्फ तुम तब तक टिकोगी जब तक सुंदर दिखोगी। सुंदरता गायब, समझो तुम भी गायब। अरे दूर, ऐसा कैसा बोला आपका गुरुजी? सुंदरता कोई कूलर में बैठा हुआ चाय थोड़ी ना है कि चाय खत्म तो कूलर भी खत्म। मनोरंजना, तुम्हारा कूलर कभी खत्म नहीं होगा क्योंकि तुम सुंदर था, तुम सुंदर है और तुम सुंदर रहेगा। अब मेरी तारीफ करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा भूतनाथ। It's very late now। हाँ, हम समझता है, लेकिन मनोरंजना यहाँ पर तो सभी लेट है ना। मैं लेट भूतनाथ भादुड़ी, तुम लेट मनोरंजना कुमारी। But before it is too late, तुम्हारे लिए समोसा एंड जलेबी। भूतनाथ, हाँ। ये जलेबी का टाइम नहीं है। हाँ, हम पूछता है माने समझता है, ये तो किसी और चीज का टाइम है। लेकिन मनोरंजना, हम तुमको कुछ कहना चाहता है। सब मर्दों की तरह तुम भी यही बोलोगे ना कि मनोरंजना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कान पक गए हैं मेरे मर्दों से ये डायलॉग सुन सुन के। दुर्रे, हम वो सब क्यों बोलेगा? हम तो वो बोलेगा जो हम चाहता है, और हम चाहता है तुम्हारा गान। क्या बेशरम, शरम नहीं आती तुमको? अभी बताती हूँ तुझे। कोई है? कोई है? अरे मनोरंजना, गान माने गान माने गाना। खोलो खोलो द्वार, द्वारे आया हूँ, मुझे और बाहर यूं खड़ा न रखो। कौन खड़ा है, कौन अड़ा है? अरे मनोरंजना मेरी जान, ये भूतनाथ आज फिर तुम्हारे पीछे पड़ा है। पर घाबरू न को, मी मुस्लिम मराठा ख्वाजा अकबर खान साहब महाराजा मल्हार होकर बोलतो है कि चाइना इससे सबक सिखाएंगे। हे सारा सोनार बांग्ला, तू हमको सबक सिखाएगा? बिना ढाल बिना तलवार का सिपाही रोज गुलाब टुलाब लेके आ जाता है इधर। ए जबान संभाल कर बात कर भूतनाथ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इस आशिक की सच्ची मोहब्बत कबूल करके तू ले ले ये गुलाब, फिर तुझे अपने हाथों से पका के खिलाऊंगा शाही गलौटी और तंदूर कबाब, और उसके बाद लग जाएगा तुमको जुलाब। मोहब्बत के दुश्मन होशियार। ए, तुम्हारे पास अगर उर्दू का शेर है ना, हमारे पास बंगाल टाइगर है। हम डरने वाला नहीं है। नहीं डरेगा? नहीं, तो मेरे हाथों से आज मरेगा। अच्छा, मरेगा? हम मरेगा, तुम मरेगा? साला कैसा मारेगा तुम हमको? हाँ, कैसा मारेगा बोलो? ए, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक, प्लास्टिक का गुलाब से मारेगा। ये ले तेरा प्लास्टिक का गुलाब। व्हाट्सअप दीदी, आपकी तो लॉटरी निकल गई। एक फूल तीन माली। ओह माय गॉड, दीदी कैसे हैंडल करोगी तीन तीन लवर्स को? तीन तीन? मुझे तो तीस तीस प्रेमियों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है टीना, लेकिन यहाँ पर तो बुढ़े पीछे पड़े हुए हैं, वो भी मरे हुए। लेकिन तुम्हारे लिए तो है एक अच्छा लड़का, यहाँ सिंगल है और रेडी टू मिंगल भी। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाकर भेल खा रही होती। कितना स्मोक करते हो तुम? Haven't you heard? Smoking is injurious to health. Sweetheart, जब healthy ना है तो injury किस बात की? ये जो भी है ना, बड़ी बकवास चीज है। It's stinking, man. अच्छा ये बताओ, तुमने singing कब शुरू करी? जब से पैदा हुआ। पैदा होके तो बच्चा रोता है ना? मैं तो गा रहा था। लेकिन तुम्हें पता है ना, जो तुम गाते हो आजकल के लोगों को उससे ज्यादा लव, प्योर रोमांटिक म्यूजिक पसंद। मारी गधी की दुम ते। ये रोमांस और रोमांटिक म्यूजिक को मैंने अपने सिस्टम से कतई बाहर काट दिया। मैडम जी, मैं फूल पहाड़ तारों झरनों नदियों को अपने म्यूजिक के नजदीक नहीं आने देता। मैं गाना गले से नहीं गाता हूँ, मैं गाता हूँ पूरी बॉडी से। ऐसा गाना जिसमें जज्बा हो, बेबाकी हो, खुलापन हो, आजादी हो। इसका मतलब तुम रोमांटिक गाना कभी नहीं गाओगे? कभी नहीं। क्यों? लेकिन जानो आंसर।
अपनी पड़ोसन के संग छोरा जो भी इश्क लड़ावेगा, अपनी पड़ोसन के संग छोरा जो भी इश्क लड़ावेगा, शर्त लगा लो उसकी शादी में वो टेंट लगावेगा। मौत की छत का जीना है यो, मौत की छत का जीना है, मौत की छत का जीना है यो, मौत की छत का जीना। इश्क महल का दिन्ना रे यो, इश्क महल का दिन्ना, इश्क महल का दिन्ना रे यो, इश्क महल का दिन्ना, इश्क महल का दिन्ना रे यो, इश्क महल का दिन्ना, इश्क महल का दिन्ना रे यो, इश्क महल का दिन्ना। Simply superb. Thank you, sir. Thank you. ये तो complete पागलपंती का atmosphere set हो गया। पागलपंती का नहीं सर, भूतियापंती का। क्या? भूतियापंती? Nice one. सर सारे के सारे घोष प्यार मोहब्बत इश्क मुझसे बड़े आराम से अपने दिन काट रहे थे बेचारे, लेकिन एक दिन अचानक एक मुसीबत आ गई। मुसीबत? वो भी भूतों पे? मैंने तो सुना था ज्यादातर भूत ही लोगों को परेशान किया करते। हाँ सर, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन उल्टी थी, यहाँ पे लोग भूतों को परेशान कर रहे थे। पूरे रॉयल मेंशन को मच्छी मार्केट बना कर रखा हुआ है, हर दीवार पर कीला ठोक रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई झूठे बर्तन फेंक रहा है, कोई थूक रहा है, और फर्श पे एक रेल पटरी लगाकर उस पे चढ़ रहे हैं, उस पे उतर रहे हैं। That means they have no civic sense. और उस हीरोइन ने तो सिगरेट पी पी के मेरे कमरे को धुएं से भर दिया। मैं भी फिल्म एक्ट्रेस थी, लेकिन इतनी सिगरेट तो मैंने भी कभी नहीं पी। और नखरे कितनी झड़ रही है? थाने में रिपोर्ट कर दें क्या? अरे भूतों की रिपोर्ट थाने में कौन दर्ज करता यार? वैसे भी उन्हें तो पहले से पैसा खिला कर आते हैं प्रोडक्शन वाले। तो फिर अपनी स्टैंडर्ड पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या? डरा के भगाते हैं सड़ों को। दीदी आई थिंक सबसे पहले जाके ना आपको उस हीरोइन की बच्ची को सबक सिखाना चाहिए। ठीक है, शॉट से पहले सभी फिल्म एक्ट्रेस नर्वस होती है, इसलिए उसे ऐसा डराऊंगी कि जिंदगी भर एक्टिंग करना भूल जाएगी। सीन 10 बाय 1 टेक 1 एंड एक्शन। बेहोश होके गिर पड़ी, शूटिंग कैंसिल हो गई, मुंबई मिरर मिडडे ने फ्रंट पेज पे स्टोरी को कवर किया और धीरे धीरे ये न्यूज के जीएच मिल्स और रॉयल मैंशन में भूत है ये सारी फिल्म इंडस्ट्री में फैल गई। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने यहाँ पे शूटिंग करना बिल्कुल बंद कर दिया। रॉयल मैंशन के भूतों की जीत हुई एंड नाउ इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम। और गेंदामल ने डिसाइड किया कि इसी खुशी में वो सबको पिकनिक के लिए ले जाए। कितना अजीब लग रहा है ना, हम भूत लोग बीच पे पार्टी मस्ती धमाल करने को आया है। हे भूतनाथ, हम भूतों को भी मौज मस्ती करने का पूरा हक है। हमारे भूत होने का सबसे बड़ा फायदा यही है, नो वीजा नो पासपोर्ट, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे जा सकते हैं। क्यों आत्माराम? हम क्या जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। 15 लव से आ रही है तू? लव से तो मैं कब की हार चुकी।
लेकिन आज एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है रॉबिन। क्या मेरी गेम? ना ना, 15 बार तेरे मुंह से लव सुनो। बाबूजी धीरे चलना, चारू ही जरा संभलना। चंग अधिक भालो, ये तेल बहुत कमाल का है। ए जनाब, ये तेल का नहीं, हमारे हाथों का जलाल है। एक बार जो हमने तरकारी पका ली, उंगलियां चाट चाट के खाए, बिहारी हो या बंगाली। ए खोया, हमको एक बात बताओ। बोलो। ये तुम तलवार छोड़ के करछी उठाया था कि करछी छोड़ के तलवार उठाया था? गुस्ताख नापाक, हमसे करता है मजाक। सॉरी सॉरी, हम तो तुम्हारा नाला खींच रहा था। मैं मजा कर, पर एक बात बोलेगा शुत्ती शुत्ती, तुम बहुत अच्छा पकाता है। शुक्रिया जनाब। खाना ना है, हमको बहुत पकाता है तुम, अपना गंदा गंदा शेर सुना के। तेरा जिते खाता तिकड़े गान करता। दादा, हम ये खाने बोसते पारी? बोशी बोशी ना है दादा, बोशुन बोशुन दादा, बोशुन। दादा आपको खाने का बहुत शौक है। अरे आप बंगाली मनुष्य से खाने की बात करता है, दादा बंगाली मनुष्य तो इतना खाता है कि उसका पूरा कमाई खाने में निकल जाता है। इसीलिए खाने में टेस्ट तो होता है मगर ताकत नहीं होती है। अरे दादा, हम लोग तो टेस्ट के लिए खाता है, पहलवानी करने के लिए थोड़ी ना खाता है। आपको मुंबई में क्या खाना मिलता है? भेलपुरी, सेवपुरी, पानीपुरी, मदनपुरी, अमरीश पुरी, ऐसा लगता है जैसे पूरा पूरी खानदान का सरनेम चला आ रहा हो। तो बंगाली खाने में झोल ही झोल है, माछे झोल, आलू झोल, फालतू झोल, झोल झोल झोल। नहीं दादा नहीं, बंगाली आदमी पे उंगली उठाने से पहले आप अपना कढ़ाई में झांक के देखो, आपका मुंबई की कढ़ाई में है क्या? पूरी खानदान को छोड़ के खाली सूखा वड़ा पाव। हे वड़ा पाव, वड़ा पाव मुंबई की शान है। ये भेलपुरी, पानीपुरी, सेवपुरी हम लोगों की एकता की पहचान है, जिसे हर मजहब का इंसान खाता है। और हमारी मुंबई की एक खासियत है, यहाँ आदमी भूखा उठता जरूर है लेकिन भूखा सोता नहीं है, और उसका श्रेय भेलपुरी, पानीपुरी, सेवपुरी और वड़ा पाव को जाता है। मुंबई में खाया, मुंबई में पिया, मुंबई में जागा, मुंबई में सोया, और वड़ा पाव की बुराई करके तेरा दिल एक पल भी ना रोया। आज से तुम रॉयल मेंशन से। अरे हम तो खाली डिस्कशन कर रहा था, और डिस्कशन में बंगाली का जीतना बहुत जरूरी होता है भाई। अच्छा चलो, हम मान लेता है आज हम डिस्कशन में हार गया। चलो चलो, सॉरी बोलो दादा। अभी हु इज द बॉस? आई एम द बॉस। हु इज द बॉस? यू आर द बॉस। चलो सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी बोलो। सॉरी सॉरी बोलो। सॉरी बोलो। सॉरी दीदी नहीं बोलेगा। हम सॉरी बोलेगा, दीदी नहीं बोलेगा। ओ यार, कमाल की सिचुएशन है चकड़े की। और रॉबिन होता तो इस सिचुएशन पे क्या तड़कता हुआ गाना बना देता ना। रॉबिन है कहाँ यार? तुम लड़कियां भी ना होती आधी मेंटल हो, हर चीज में प्यार, लव लव प्यार, और कोई काम नहीं होता क्या तुम लोग को? What is your problem? तुम्हें लड़कियों से इतनी नफरत क्यों है? किसी ने टच किया है क्या? एक ने गिनना शुरू करूंगा ना, जल बुन के कोयला हो जाएगी। ये लड़कियां सारी पैसे पे मरती है। गलत, कुछ ऐसी भी लड़कियां होती हैं जो प्यार के लिए मरती हैं। एग्जांपल है ना तुम्हारे सामने। हाँ देख रहा हूँ, जिसके वास्ते 10वीं मंजिल से छलांग लगाई उसका तो नाम भी तेरी जबान पे नहीं आता, उल्टा मेरे पे लाइन मारती रहती तू। और ए टिन्ना, क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों लूं मैं उस चीटर ग्रीडी धोखेबाज का नाम, जिसने पहले मुझे धोखा दिया और फिर मौत। उसने तो वही किया जो तेरे बाप ने कहा था। क्या करता बेचारा? मैंने झूठ बोला था। मरने के बाद मुझे पता चला कि सैम को कभी मुंबई से नहीं निकलवाया गया था, बल्कि उसने मुझे और मुंबई छोड़ने की मेरे डैड से बहुत बड़ी कीमत वसूली थी, और पैसे लेने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। He completely forgot me. He never loved me. Sorry, Tina. I'm really sorry. छोड़ ना, चल एक स्माइल कर दे। करना स्माइल करना। ए टीना, टीना सुनना, तू हमेशा कहती रहती ना कि मैं बेसिर बैठ के गाने क्यों गाता हूँ, ले आज तेरे लिए एक रोमांटिक स्वीट गाना गाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, गाने से पहले स्माइल करना पड़ेगा। चल कर स्माइल। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, हाँ हुड्डा को सेट करने को, I know you are बेकरार। अब जाके आया मेरे कंफ्यूज दिल को करार। Thank you.
काले चश्मे वाली तेरा सीन क्या बता, अरे ऊंचे जोड़े वाली तेरा सीन क्या बता, अरे सीन क्या बता तेरा सीन क्या बता, टाइम वेस्ट ना करा। हमें से कौन चाहिए तू साफ तो बता। दिल की धड़कन में रहते हो ले आया हो जिसको तुम डे एंड नाइट पीते हो, पी के आउट हो जाओ फिर बाहों में समा जाओ। कैसे घुसे गोरी अब तोहरे घर द्वार, अरे अंगने में बाबा दुआरे तीन यार, कैसे घुसे गोरी अब तोहरे घर द्वार, हम कैसे घुसे गोरी अब तोहरे घर द्वार। भगाई दिए बाबा लटके हैं तीन यार, भगाई दिए बाबा लटके हैं तीन यार, अब तू भी बांध बिस्तर रंग टू बिहार, अब तुम भी बांध बिस्तर रंग टू बिहार। दिल ने ये कहा है दिल से, काका भिड़ गया है तुमसे, दिल ने ये कहा है दिल से, दिल ने ये कहा है दिल से, काका भिड़ गया है तुमसे, काका भिड़ गया है तुमसे, जिसे टाका फिट कर लो। हम चीज बड़ी है मस्त मस्त, हम चीज बड़ी है मस्त, रॉयल मेंशन के घोस्ट घोस्ट, रॉयल मेंशन के घोस्ट घोस्ट, हम एक दूजे के दोस्त दोस्त, नहीं कोई नहीं कोई हमरा मस्त है, लेट्स हैव अ टोस्ट टोस्ट, हम चीज बड़ी है मस्त मस्त, हम चीज बड़ी है मस्त, रॉयल मेंशन के घोस्ट घोस्ट, हम एक दूजे के दोस्त दोस्त। ओके स्टॉप इट, क्या हो गया, क्या है यार, डांस कर रहा था मैं, हो क्या चाहिए वो, एक मिनट यार, एक मिनट, ओ सर जी हमारा रॉयल मेंशन खतरे में है। क्या क्या कह रहे हो? जी हाँ, वो अभी तक तो हम वहाँ शांति से रह रहे थे क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड थी, लेकिन अब वो डिस्प्यूट खत्म हो गया है, आपके ग्रेट ग्रैंडसन्स हाथ मिला लिया उन्होंने, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके ये मेंशन और मिल दोनों बेचने जा रहे हैं वो लोग। हाँ सच्ची कह रहा हूँ मैं, और जी सब कुछ तोड़ ताड़ के वहाँ एक मॉल बनाएंगे, मॉल। पता है मेरे सारे मेल फैंस मुझे माल कहा करते हैं। अरे वो तो तुम अभी हो मेरी जान। मनोरंजन ये तो बेशान डेवास्टेटिंग न्यूज़ है, अगर रॉयल मेंशन को कुछ हो गया तो हम तो फिर से बेघर हो जाएगा। Had this been the British Raj, I would have hanged this man to his death. सिपाहियों, हम जान दे देंगे बॉस, लेकिन मेंशन पर आज नहीं आने देंगे। अरे मावड़ी पूछ, एक बार जान जा चुकी दोबारा कैसे देगा। अरे पहले ये तो पता कर लो कि बायर कौन है। I think she has a point. Who is this buyer? और जी कोई बिल्डर है पुतेरिया। आपको किसने बताया? टेक्नोलॉजी। और जी रॉयल मेंशन के बाहर मैंने सर्विलेंस कैमरे लगाए हुए। कैमरे लगाए हुए? इसमें वहीं से एक एमएमएस आया है। देखो 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 देखो, ये तो रॉयल मेंशन है, ये गाड़ी में से कौन आ रहा है? ये है वो पुतेरिया। ये तो शक्ल से ही विलन लगता है। हां मनोरंजन, हां सुरेश भाई, थैंक यू। रमेश भाई कांग्रेचुलेशंस। पुतेरिया सर,
All yours. देखा गुलियानी, जब भतेरिया किसी चीज पे अपना हाथ रखता है ना, उसको हासिल करके सोड़ता है। अब तो देख मैं इस जगह का क्या करता हूँ, नक्शा बदल दूंगा। लेकिन सर आप यहाँ बनाएंगे क्या? पूरे 5 माले का मॉल बनेगा यहाँ। मैंने तो नाम भी रख लिया है, भतेरिया 5-स्टार प्लाजा। अरे ये क्या है? ओ बैटरी चली गई, ओ घर जाके चार्ज कर लेंगे। रॉयल मेंशन चलो, फॉलो मी। कॉम्रेड्स, हां चलो। नो 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 नो, ओ गॉड, देखो सब सेटल हो गया, नो प्रॉब्लम। शियर देखो शाला, हमको पेन देके खुद शैंपेन पी रहा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। देयर इज वन प्रॉब्लम भुतरिया सर, हेरिटेज साइट स्टेटस। नो 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 सर, देयर इज two problems sir, one is heritage site and second is very big boo 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 boo. Chup chup, agrala ban kar, ban ja ja kar architect ko bol de kaam shuru kar de, A1 construction karne ko bol. Mumbai Sangai baad mein banega, hum apna mini Sangai pehle banayenge. Tamre tam raila. अला शंघाई बनाने की बात करता है और म्युनिसिपैलिटी को पता तक नहीं। ओ, आप लोग म्युनिसिपैलिटी से? अरे नहीं रे बाबा, आपकी म्युनिसिपैलिटी जेब में डाल के घूमता हूँ मैं। इधर आओ। मैं माँ का रान। माँ का रान नहीं रे, मकरंद मराठे, मराठी मानूस, माकड़ कंपनी का अध्यक्ष, समझा क्या? माकड़ मतलब? माकड़ का मतलब मंकी। मैं भी ना मंकी की तरह चुपचाप तुम्हारी सब बातें सुन रहा था। हेरिटेज स्टेटस का कुछ लफड़ा ही गया। ना, 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 ना। अरे बोलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो दुनिया का उसूल है गिव एंड टेक, माकड़ पार्टी की भाषा में तुम गिव आई टेक। प्राइस बोलो। 20। चुप। देखो साहब 20 का मतलब 20%। 20% टू मच। मच नहीं करने का, एक बुलेट अंदर जाएगा ना सीधा ऊपर चला जाएगा। एक हफ्ते का टाइम देता हूँ, मेरा 20% लाओ, मॉल बनाओ, मकड़ लो, चलो। गाइस कहानी में ट्विस्ट है, पॉलिटिकल ट्विस्ट। अरे कोई ट्विस्ट ना है, ये बहुत रिच मानुष है, ये जाके 20% दे देगा, नेता का जेब जाएगा भौर और हम लोग हो जाएगा बेघौर। ओ इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, मैं बता रहा हूँ, वो बिजनेसमैन है, देख लेना आखिरी सांस तक नेगोशिएट करेगा। That means we have some time and a window of opportunity. लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना? बगावत, खून की नदियाँ, यलगार। ओए चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, कोई आइडिया सोचो भूतनाथ। हाँ हाँ हाँ, हम क्या सोचता है, हम उसको इतना रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, इतना स्वीट खिलाएगा, साले का ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, खुद ही डायबिटीज से मर जाएगा। बहुत ही बकवास आइडिया। आत्मराम जी आप क्या कहते हैं? हम क्या कहेंगे साहब, हम तो गरीब आदमी है। अरे यार रॉबिन तुम बताओ। मेरे हिसाब से उसके कान के नीचे बजाना चाहिए सर। ओ गिटार तो टंग से बजा नहीं सकता तू, कान के नीचे क्या खाक बजाएगा? उसके कान के नीचे गिटार बजाऊंगा तभी तो। चुप, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी बोलो बोलो बोलो। In the year 1857, silence यार, कम की बात है, सुननी पड़ेगी। युद्ध, जंग, लड़ाई, वॉर, इन सब की पहली स्टेज होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग, जहां आपने दुश्मन की ताकत और उसकी कमजोरी का अंदाजा लगा लिया तो समझो कि आपने आधी जंग जीत ली। अरे तो आधी जंग जीतेगा कौन? ये पौआ। मी ख्वाजा अकबर। हम साइलेंस में डिसाइड किया है, हम जाएगा बिल्डर के पास, हम जासूसी करेगा और हम उसका निकालेगा कमजोरी। ओके चूरन बेच के ना? चूरन नहीं, हम अपना एक्टिंग से उसका हवा निकाल देगा। हम बहुत नाटक किया है, फ्रेंड्स, रोमन, कंट्री मैन, ब्लडी फूल। मनोरंजन के सामने एक्टिंग की बात, बिना काउच के कास्टिंग होती थी मेरी। आइडिया क्या बोलो? हमको अपने मिशन को कामयाब बनाने के लिए मिस मनोरंजना जैसी एक चालू एक्ट्रेस चाहिए। चालू एक्ट्रेस मतलब चली हुई एक्ट्रेस। थैंक यू। तो कॉमरेड मनोरंजना, गेट रेडी फॉर द मिशन, मिशन भूत तेरिया। एक फ्लोर पे 200 सोप, मतलब 5 फ्लोर पे 1000 सोप, 1 सोप का 1 करोड़, 1000 सोप का 1000 करोड़।
Buteria, the king. Come in. Nice to touch. लेकिन आप मेरे ऑफिस में विदाउट अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लेती तो खुद से डिसअपॉइंटमेंट हो जाती. गुड गुड. ऐसा क्या? ऐसा क्या? ये क्या खेल रहे हैं आप? गोल्फ. आप खेलेंगी? आप सिखाएंगे गोल्फ? श्योर श्योर. कम कम कम. होल्ड होल्ड. चलिए सिखाइए ना. हाँ, गोल्फ में स्टिक मजबूत होनी चाहिए और निशाना सटीक ताकि बॉल सीधा होल में जाए. मिस्टर बुटेरिया जी, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए. फ्लेवर? कौन सा फ्लेवर? लेकिन आपको इसके बारे में बताया किसने? ये प्रोजेक्ट तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है. इट्स कॉन्फिडेंशियल. मैंने ये बात सबसे छुपा के रखी है. डोंट वरी, मैं भी छुपाने में यकीन रखती हूँ. मिस्टर बुटेरिया, मिस्टर बुटेरिया, मेरी चाबी कहीं खो गई है. ढूंढ दीजिए प्लीज. हाँ सोर सोर, व्हाई नॉट. यहाँ तो देखिए. कोशिश कर रहा हूँ. मिल गई. मिल गई. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप मुझे स्पेस देंगे ना? दूंगा, जितना बोलो. You're so sweet. Oh no. क्या हुआ? देखिए ना, जल्दी जल्दी मैं गाड़ी की चाबी तो ले आई लेकिन गाड़ी लाना भूल गई. अब मैं वापस कैसे जाऊँ? मैं तुम्हें जाने दूंगा तब ना. सच? मुझ अब तो मुझे इस बात के लिए स्पेस दोगे ना? लेकिन इस स्पेस के बदले में तुम मुझे क्या दोगी? सब कुछ. हेड मसाज, शोल्डर मसाज, बॉडी मसाज, पूरा सेंसेशन. मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को टच करूंगी. तुम्हारा कोई वीक पॉइंट तो नहीं है ना? मेरी बीवी. डरते हो उससे? हाँ, जब जिंदा थी तो भी डरता था, अब मर गई तो भी डरता हूँ. मर गई? इसलिए तो रोज रात को सपने में आकर डराती है मुझको. क्या हुआ था उसे? हुआ कुछ नहीं था, मैंने मार डाला. क्या? हाँ, जिंदा जला दिया उसको. क्यों? हर वक्त चिक 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 चिक. एक चिक थी मेरी, ब्यूटीफुल चिक. उसका मेरा सेटिंग था. जब लक्ष्मी को पता चला तो जलमन कर राख हो गई. मैंने भी सोचा इस जलन को हमेशा ही के लिए जला देता हूँ. फिर क्या? जब एक दिन वो अपनी BMW में निकली, मैंने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी. बहुत याद आती है. बीवी की? नहीं, BMW की. 65 लाख रुपए की थी. दरअसल लक्ष्मी मेरी वीकनेस है भावना जी. रात भर सोने नहीं देती साली. लोग ठीक ही कहते हैं, आदमी तो मरने के बाद भूत बनता है, लेकिन लेडीज लोग चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती हैं. तो मनोरंजना कुमारी ने मरने के बाद भी भुतेरिया का मनोरंजन कर ही दिया. जी, लेकिन सिर्फ उसका राज जानने के लिए. लेकिन ये भुतेरिया काफी डेंजरस आदमी लग रहा है. नहीं एग्जैक्टली सर,
और इसीलिए भूतेरिया को सबक सिखाने के लिए रॉयल मैंशन के भूतों को चाहिए था भूतेरिया से भी ज्यादा डेंजरस आदमी। पर ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? अरे स्पूक बुक है ना। स्पूक बुक? इट्स अ सोशल नेटवर्किंग साइट फॉर ऑल द भूत्स। यहाँ पे जरूर कोई ना कोई मिलेगा। और इसका स्लोगन है भूत आओ रिश्ते करे मजबूत। और जिसकी उन्हें तलाश थी वो आदमी उन्हें मिल गया। बचपन में देसी बम बनाते हुए उसकी एक बाजू कट गई और तब से लोग उसे बाबू हथकटा कहने लगे। किस किस्म के भूत लोग हैं तुम लोग जो बंदूक देख के डर गए? क्या इसको बिना निकाले बैठता हूं ना तो गलत सलत जगह पे छुप जाती है। बाबू भाई कैसे हैं आप? बाबू भाई कैसे हैं आप? हे अंकल दादा फ्रेंडली बनने की कोशिश मत कर, धंधे की बात कर, किसको डपकाने का है? ना रहम ना माफी अपन का एक ही छात काफी। नहीं नहीं बाबू भाई हम लोग अहिंसावादी भूत हैं, नॉन वायलेंट भूत। अबे ओ भूतियो वायलेंस नहीं तो क्या वायलिन बजाने के लिए बुलाया? दरअसल हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मेरा ये घर। ये सच्ची लड़ाई है जनाब, बाखुदा मिलेगा आपको इसका सवाब। अबे गार्डन भाई सवाब कबाब से काम नहीं चलेगा, आप उनको हार्ड कैश चाहिए कैश। बाबू प्लीज हम सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, हेल्प अस ना बाबू। ये सेक्सी छोकरी आपको बाबू बोला भाई नहीं बोला, इसलिए अपन इसकी बात टाल नहीं सकता। थैंक यू बाबूजी भाई, हम बेसहारा मजबूर भूतों की मदद करने के लिए आपको पुण्य मिलेगा। ए अंकल अपने पुण्य को आंटी में डाल के किसी आंटी को दे डाल, बहुत पुण्य किया अपन ने भी, सिखाया था एक लड़के को चाकू चलाना, अपना गला काट के अपने को डाल दिया गटर में। माल की बात कर, पुण्य रख तू। सॉरी गर्ल्स जरा इमोशनल हो गया। Don't worry, Baba. I will honor you with the Queen's Cross. इसको लंदन से कौन लेके आया? हाँ? ड्यूटी भरा क्या इसका? What did he just say? He said you are gem of a guy. Thank you. Namaste. चल अभी काम की बात कर, करने का क्या है बता? ओ जी आपको पुतेरिया से मिलना है। कौन है गाय? अपना जात भाई है क्या? ओ नहीं नहीं, he is a builder. वो पुतेरिया कंस्ट्रक्शन का मालिक है। वो क्या नाम है उनका? जीके पुतेरिया। जीके। वह जीके हो या पीके, उसके लिए भी रहम ना माफी, अपुन का एक ही छात काफी। बेबी बेबी अगर तुम मेरी हो जाओगी तो ये टॉप फ्लोर का 6 बेडरूम हॉल तुम्हारा हो जाएगा। डांस फ्लोर, डिस्को, जकुजी, मिनी थिएटर, जहां हम फिल्म देखेंगे। ब्लू वाली। स्क्वीज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। डबी बेबी अब 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 इसको बोल। सर ऊपर जो है वो डेंजर लगता है सर। हाँ ठीक है ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम तेरा है। प्रॉब्लम तेरा, सलूशन मेरा। अगर नहीं सुना तो लॉस तेरा, सुना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। प्रॉफिट मेरा? मेरा पीरो? अरे आई एम माइसेल्फ गणेश भुतेरिया। नहीं अब उनको बाबू हथकड़ा के नाम से इस दुनिया में लोग जलील करते हैं। बाबू हथकड़ा मसूर डोन। कितना महंगा मकरान मराठे ने तेरे से? बाबू भाई आपको 20% ना। अबे कवड़े अगर मराठे को 20% देगा तो तू क्या कमाएगा घंटा? हाँ अभी सुन अपुन का प्रपोजल, कल रॉयल मेंशन में अपुन तेरी मीटिंग उस मराठे के बाप से कराता है। मराठे का बाप? अबे अपुन का छोटा भाई काबू भाई। बाबू भाई का छोटा भाई काबू भाई? पार्टी प्रेसिडेंट, जितने भी मिनिस्टर है सब उसकी काबू में है। और वो तेरे हेरिटेज का लोचा है ना। हाँ? एक कीच फोन में खलास और कमीशन सिर्फ 10%। 10%? देख भुतेरिया कल 10 बजे 20 खोखा एडवांस लेके पहुंच जाना। ओके बाबू भाई मैं कल सुबह ठीक 10 बजे रेडी। अबे ओ पोंगा पंडित 10 बजे के आरती कीर्तन करने को आ रहा है। 10 बजे का मतलब है रात के 10 बजे 10 PM। आओ आओ वेलकम भुतेरिया भाई, वेलकम। आने के अंदर कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? भैया तकलीफ तो इनको अंदर जाकर होगी। क्या मतलब? हम कहाँ जाने साहब,
हम तो गरीब आदमी। अरे भाई ये गरीब आदमी को टाटा बोल, अमीर आदमी तेरे को हेलो बोलने के लिए वेट करने ले चल। आओ बुतेरिया सेट आओ। मीट एलन मित्तल, एलन मित्तल। द फेमस स्टील मैग्नेट। बुतेरिया दिस साइड मिस्टर सर। प्लेजर मीटिंग यू सर। प्लेजर मीटिंग। नो 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 नो। ही इज एलन मित्तल। आई एम एलन मित्तल। ही इज स्टील मैग्नेट। आई एम ओनली मैग्नेट। चिपलून में चुंबक की 40 चिमनियां हैं। नाइस, वेरी नाइस। और ये अपुन का। सो रिचमेंट ऑफ डायमंड एंड आलमंड फ्रॉम यू टू कमेंट। नाइस। फुल इंपोर्टेड। माली माली इसके बाद नाम में भी रिच है। वेरी नाइस। बैट, बिट यू बैट। बम्बैया बोलने का बहुत बड़ा लंबा सुल्तानी कीड़ा है इस डायमंड के अंदर। रिचमेंट बोले ना। एक ही बात है ना बिड़ू, डायमंड भी तो रिच होता है। Richmond bhai, what is the name of your company? This is the East India Company. East India Company. Naam suna babu bhai main. Indian company. International company. Inka to India khareedne ka bhi plan tha. Oh ho ho. सौदा पटा नहीं। सौदा पटा नहीं क्योंकि इंडिया अपनी ऑफर से हटा दी। सॉलिड पार्टी है कि नहीं? रॉक सॉलिड बाबू भाई। अब धंधे की बात करें भाई लोग, तुम लोग डिसाइड करो पंटर के इसके धंधे में पैसा लगाने का है कि पैसा नहीं लगाने का है। मिस्टर बुतेरिया, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट। थैंक यू मित्र साहब, थैंक यू सो मच। कोश कोश। बस बाबू अभी थोड़ा वो काबू भाई हेरिटेज प्रॉब्लम सोल्व करते थे ना। अरे वो भी हो जाएगा, टेंशन मत ले। काबू भाई का छोटा भाई काबू भाई। अरे बाबू भाई की रे, काबू को किसको काबू में कर लेने का है रे? ले 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 ले। अरे छोटे मैंने तेरे को बोला था ना वो हेरिटेज वाली बात। चिंता ना है, चिंता ना है बेटा। जी जनाब। फोन लेके आ रहे। ले ले ले। जी 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 जी। सीएम ले जनाब से बात कर 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 कर। ए सीएम कैसा है रे? ले 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 रे। अरे मिले काबू, मिले बच्चा, मिले पुंजू पुंजू पुंजू, मिले किच्ची पिच्ची। हमारा बात सुनो। जी के भूतारे, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है रे। ले 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 ले। वो क्या एक प्रॉपर्टी खरीद लेना रहे ले। हेरिटेज का ठप्पा लग लेला है। ले 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 ले। Yes, yes, I know, I know. In the year of 90. साला तेरी ईयर का माका। अभी दोनों ईयर खोल के हमारा बात सुन रहे। ले 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 ले। अगर वो ठप्पा नहीं हटा दो दिन के अंदर तो तू सीएम की सीट से हटा। चल फोन रख। ले 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 ले। थैंक यू बाबू, थैंक यू, थैंक यू काबू भाई, थैंक यू। ये 10% रेडी है, इधर रखा है। तो मैं चलू? नहीं नहीं बुतेरिया साहब, हम अपने मेहमानों को बिना आप भगत के जाने नहीं देते। हम आपको खिलाएगा पिलाएगा और लेडीज झुमका भी दिखाएगा। लेडीज झुमका? पिक्चर देखने से पहला ट्रेलर देखेगा क्या रे? ट्रेलर बाबू भाई। दिल पे लगे एक चोट हूं मैं, फिल्म कहानी का प्लॉट हूं। सर से पांव तक हॉट हॉट उफ हॉट हॉट हूं मैं। आर्म को माचिस की तिल्ली रगड़ कर, हाय दिल को माचिस की तिल्ली रगड़ कर, मेरे बदन से तू सुलगा ले। दिल्ली रगड़ कर बॉडी का मेरे बढ़ा दे तू। मुझे आँखों का
didn't think you higher. She is your burning, burning desire. रहम ना माफी अपन का एक ही छात काफी तुझे पिस्टल की गोली बना लूं फिर करूं रात भर फायरिंग तुझे पिस्टल की गोली बना लूं फिर करूं रात भर फायरिंग तुझे एक हाथ से ही उठा लूं ये बाबू बड़ा डेयरिंग माचिस की तिल्ली रगड़ कर लक्ष्मी हाँ लक्ष्मी आराम करे लक्ष्मी तू तो मर गई थी है ना अब भूत बनकर आई हूँ तेरी ऐसी कैसी करने मुझे बचा लो मित्तल साहब हेल्प मी यार तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करेगा क्योंकि हम सब भी भूत हैं बास्टर्ड कुत्ते कमीने तूने मुझे जलाया था ना अब मैं तुझे जिंदा जलाऊंगी तड़प तड़प के मरेगा तू ना 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 लक्ष्मी कुछ तो सोच मैं तेरा पति हूँ पति परमेश्वर बाबू भाई समझा दादा मचमच नहीं करने का चुपचाप मरने का समझा बाबू भाई गलती हो गई माफ करो आप पैसा रख लो बोलोगे तो 20 कोका और भेजेगा मुझे जाने दो प्लीज ये ले बड़ो इसके बदन पे मैं दारू डालूंगा तू भी लगा दे इसके बदन पे आग रुक जाओ लक्ष्मी छोड़ दो इसे छोड़ दूं क्यों तुम्हें पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया था इसी की वजह से मेरी प्यासी आत्मा दर दर भटक रही है चिंता ना है लक्ष्मी तुम्हारी भटकती आत्मा को हम गोले लगाएगा और अगर ये नहीं लगाएगा तो मैं लगा लूंगा ये नहीं लगाएगा तो मैं हूं ना Like a sister. हमने इसे मार दिया तो ये भी भूत बनकर यहाँ रहने लगेगा और फिर हम सबका टाइम टेबल खराब करेगा She's right. इसके पास बहुत ब्लैक मनी है और ब्लैक मनी वाला आदमी हमेशा हार्ट अटैक से मरता है नेचुरल मौत मरेगा तो सीधा नर्क में जाएगा सिंपल चाहिए भुतेरिया साहब हमने आपको माफ किया समझा गया मारा किधर और वो भी इस खोखा बोला है वो भी लेके आना चल वर्ड निकल ले अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं मिस्टर भुतेरिया हु इज द बॉस आई एम द बॉस हु इज द बॉस यू आर द बॉस यस तो बॉस की बात सुनने के बाद ही आपको माफी मिलेगी मिस्टर राम से प्ले द म्यूजिक प्लीज यस सर थैंक यू फ्रेंड घोस्ट ह्यूमन आप लोगों को पता है ना इनके शॉपिंग मॉल्स मल्टीप्लेक्सेस हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हाई राइज टावर्स ने गरीब के हिस्से की धूप छीन ली इनकी वजह से बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए आसमान कम होता जा रहा है अपने टावर्स की तीखी नोक आसमान में घुसाकर दिल चीर रहे हैं उनका तभी तो बारिश नहीं होती तो नहीं होती और अगर होती है तो प्रलय आ जाती है एक जमाने में शहरों में बड़े बड़े घर होते थे बड़े बड़े आंगन होते थे लॉन्स होते थे लेकिन आज
आम आदमी अपना पेट काट काट कर हर महीने ईएमआई भरता है और उसे बदले में क्या मिलता है? एक छोटा सा कबूतर खाना। एक एक फुट की चोरी करके गरीब के पांव तले की जमीन खिसका रहे हैं ये लोग। दफनाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने। कब्रें इतनी छोटी होती जा रही हैं कि मरने के बाद भी इंसान का दम घुटता है। अरे मैं पीछे हटो, अरे मेरा दम घुट रहा है, अरे रुक जाओ। इंसानों को तो छोड़ो, अब तो भूतों का भी जीना दूभर कर दिया इन लोगों ने। अरे क्या बिगाड़ा हमने तुम लोगों का जो तुम हमारा सुख चैन छीनना चाहते हो? अपने बैंकों में जरूरत से ज्यादा नोट भरने के लिए क्यों हमें हमारे घरों से निकालना चाहते हो? ये सोचे बगैर कि हम जाएंगे कहां, रहेंगे कहां? कूड़ेदानों में, सुलभ शौचालय में, या तुम्हारे बनाए मॉल के किसी ट्रायल रूम में? कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करोगे ना तो एक दिन धरती पर तुम्हारे लोहे सरिये सीमेंट गारे का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि धंस जाएगी धरती। दुनिया अब तक भूतों से डरती थी, लेकिन अब वही भूत इस रियल स्टेट के दानव से डरते हैं। अब तुम ही बताओ अपने डर की शिकायत हम किससे करें, किसके पास जाएं? नहीं, तुम नहीं समझ सकते हमारा दर्द। इंसान हो ना, और इंसान तो आजकल इंसान का दर्द नहीं समझता तो हम भूतों का दर्द क्या समझेगा? इसलिए जाओ, जाओ यहां से, छोड़ दो हमें हमारे हाथ, जाओ ले जाओ इसको यार, जाओ। बच्चा तेरा नसीब अच्छा, निकल ले, ना रहम ना माफी, बाबू का एक ही चाल काफी। चलो चलो बक, चलो चल रहे हैं। भैया हमें हमें हमारे घर तक छोड़ दोगे? अरे क्यों नहीं साहब, हम ड्राइवर हैं और एक अच्छा ड्राइवर मेहमान को उसके घर से लेकर आता है तो उसको छोड़ने भी जाते हैं। अच्छी बात कही भैया, तुम भी भूत हो क्या? हम कहाँ जाने साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। सिर्फ एक बात समझ नहीं आई, ये भूत लोग लक्ष्मी तक पहुंचे कैसे? स्पूक बुक सर। क्या स्पूक बुक? हाँ हाँ, जैसे फेसबुक वैसे भूतों का स्पूक बुक। बिजार बॉस। हाँ हाँ सर, लक्ष्मी ने टीना की रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली और भूतेरिया को सबक सिखाने का ऑफर भी। सर लेकिन मेन प्रॉब्लम थी हॉट आइटम नंबर करने की, क्यों? लक्ष्मी तो सीधी सी ओमली सी लेडी थी, उसे कहाँ आता था डांस वांस। गॉट इट। मनोरंजना कुमारी एंड टीना सर दोनों ने मिलकर उसको ट्रेन किया। व्हाट अ कांसेप्ट मैन, व्हाट अ कांसेप्ट। थैंक यू सर। और ये भूत लोगों ने भूतेरिया को काफी अच्छा सबक भी सिखाया, दोबारा कभी मुड़के देखा भी नहीं होगा रॉयल मैंशन की तरफ। नहीं सर, वो वापस आए, इनफैक्ट अगले ही दिन। कोई तांत्रिक वांत्रिक को लेके क्या? रॉयल मैंशन के ओरिजिनल पेपर्स लेके। भूतेरिया ने प्रॉपर्टी हमेशा के लिए भूतों के नाम कर दी और एक बार फिर से रॉयल मैंशन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। और इसी खुशी में गेंदामल ने गुलाब चंद को भी रॉयल मैंशन में आने की परमिशन दे दी और मनोरंजना कुमारी और गुलाब चंद फिर से एक हो गए। यार क्या स्टोरी लिखी है तुमने? सर क्या स्टोरी है यार। थैंक यू सर। कैरेक्टर्स है, प्लॉट पॉइंट्स है, सिनेमैटिक मूवमेंट्स है, क्राइसिस है और तो रेजोल्यूशन भी है और उसके साथ में एक हॉट आइटम नंबर। राजू राइटर, you really are a writer. Thank you sir. Thank you. I like it, yeah. I like it very much. But brother, क्या है ना, हमारी कहानी बहुत ही अच्छी है। अच्छी क्या मतलब, जबरदस्त है, लेकिन एक छोटी सी हर्डल है सर। हर्डल? हाँ मतलब ज्यादा कुछ नहीं, हमारी स्टोरी थोड़ी वैकी है ना, थोड़ी वियर्ड है, तो इसीलिए प्रोड्यूसर को इसमें पैसे लगाने में थोड़ी हिचकिचाहट हो सकती है। बट आई मैनेज, आई डू इट, नॉट टू वरी। हाँ सर, उतनी सी बात है ना। हाँ हाँ बस।
क्या ये? सर खोल के देख लीजिए, खुद ही समझ जाएंगे। अरे बॉस, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने के सिक्के, बहुत पुराने होंगे, एंटीक। नॉट जस्ट एंटीक सर, अच्छी खासी कीमत है इनकी, उतनी की आपकी फिल्म शुरू हो जाएगी। रख लीजिए इसे, बाकी का इंतजाम भी हो जाएगा। एक मिनट, पहले तू अपनी कहानी मुझे सुनाता है, उसके बाद फिनेंस का जुगाड़ भी खुद ही करता है, आखिर तू चाहता क्या है? सर अपनी स्क्रिप्ट पे फिल्म बनते देखना। सर जब से होश संभाला है तब से बस एक ही सपना देखा है कि किसी दिन मैं फिल्म राइटर बनूं और मेरी कहानी पर कोई फिल्म बने। आंखों में यही सपना, हाथ में 400 रुपए लेके मैं इलाहाबाद से मुंबई आया। वहां से झगड़ा करके, भाई को नाराज करके, परेशान तो मैं भी था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था। मुझे यकीन था कि एक ना एक दिन मेरा सपना सच होगा। धीरे धीरे मेरा सपना भी टूटने लगा, पर यकीन, जहां कहीं भी मैं अपनी कहानी लेके जाता, मुझे रिजेक्शन और धक्के के अलावा और कुछ नहीं मिलता था। सबने मुझे कहा, राजू ये लाइन छोड़ दे, तुझे यहां नाकामयाबी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सर मैंने किसी नाटक में एक लाइन सुनी थी, अगर आदमी को नाकामयाबी होना हो तो कम से कम उस काम में हो जिसे वो करना चाहता है। यार अब तो तू कामयाब है ना, तेरी कहानी पे बना तो रहा हूं पिक्चर। जीते जी ना सही, पर मरने के बाद तो मुझे कामयाबी मिली, इस बात की खुशी है मुझे। क्या मरने के बाद मतलब? सर आज से 5 महीने पहले मुझे काम तो नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं बहुत से राइटर्स के लिए घोस्ट राइटिंग करता था। एक दिन एक राइटर के यहाँ काम खत्म करके मैं अपने घर की तरफ जा रहा था कि अचानक मुझे एक लड़की की चीखने की आवाज़ सुनी। That is how I got killed. Ghost writing करते करते मैं writer तो नहीं बना, लेकिन ghost जरूर बन गया। भूत बनने के बाद मैं भी royal mansion में आया। गेंदावल सर ने मुझे यहाँ रहने की permission दे दी as a special case। फिर एक दिन यहाँ के भूतों के सुख दुख और उन पर हो रहे अत्याचारों के बारे में मैंने एक कहानी लिख दी, जो अभी अभी मैंने आपको सुनाई। मैं तो कहता हूँ तू acting करना शुरू कर दे, लिखना छोड़ ही दे। That is how I got killed, sir. आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? लग नहीं रहा है, पता है मुझे तू मेरी टांग खींच रहा है। प्रूफ क्या है? आपको प्रूफ चाहिए? हाँ चाहिए, आइए। अरे प्रूफ चाहिए ना? कर्टन कॉल प्लीज। हाँ सुमित, सॉरी यार, जरा सी आँख लग गई थी, सॉरी, वेरी सॉरी। अरे यार तेरी तो सिर्फ आँख लगी ना, मेरी तो वाट लग गई थी यार, सारा दिन ट्रक में बैठ के आ रहा हूँ, लगता है चिकाई करनी पड़ेगी यार। चल चल, अरे रुक, सोना कितना बेनिफिशियल होता है और मुझे आज पता लगा। ओ कैसे? सपने में मैंने एक फीचर फिल्म की कहानी सुनी, ऑलमोस्ट अ स्क्रिप्ट।
एक काम कर, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के पास जा, वो तेरी फिल्म 100% प्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर ऑल दुनिया की पहली फिल्म होगी यार जो सपने में लिखी गई है। गिव मी अ ट्राई। यस श्योर। ये क्या है? आदित्य entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.